मैं बोलूंगा नहीं यार सचिन तेंदुलकर जैसा तो कोई हुआ ही नहीं क्या विराट कोहली क्या रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर इज द गुड प्लेयर तो अब मेरा सोचना अलग है तुम्हारा सोचना अलग है यार तो इसलिए ये अब ये अब नल सेट नहीं रहा लेकिन चलो नल सेट का मैं एक और बेटर एग्जांपल देता हूं बहुत गलत एग्जांपल लगता बन गया मैं आज के इस सेशन में पूरी तरह से आपको एनालिसिस के साथ पढ़ाऊंगा अब जैसे देखो इस टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं 26 जुलाई 2022 11 अप्रैल 2024 तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और वैसा ही पढ़ाऊंगा नमस्कार आदाब श्रस्तेगल और मदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू सेशन दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष त्रियम जो कि आज बात करने आए हैं 11वीं कक्षा की कंप्लीट सेट थ्योरी की तो ये 11th का चैप्टर है पहला चैप्टर है 11th का सेट थ्योरी और आज इस सेशन में सेट थ्योरी में पूरा चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा ध्यान रखिएगा इस पूरे चैप्टर का मतलब थ्योरी भी हो रहा है और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी होंगे अब एट द सेम टाइम आपको यह भी बता दूं बच्चे यहां पे जनरली ये सवाल पूछते हैं कि सर थ्योरी और क्वेश्चंस जो होंगे तो ये किस लेवल तक होगा तो आपको बता दूं ये शुरुआत मैं कर रहा हूं बेसिक लेवल से बेसिक लेवल के बाद इसमें बढ़ते बढ़ते हम लोग बोर्ड्स लेवल पे आएंगे बोर्ड्स के टाइप के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम जे डब्लू मेन्स लेवल तक करेंगे अब यहाँ पे जेई एडवांस के सवाल करेंगे क्या तो देखिए जेई एडवांस में पिछले पांच सालों में सिर्फ एक सवाल पूछा गया है सेट थ्योरी से पिछले पांच साल में तो एडवांस में बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं सेट थ्योरी से ऑलमोस्ट ना के बराबर कभी सेट थ्योरी से और रिलेशन से सवाल जेई एडवांस में पूछा नहीं गया है तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक बोर्ड्स और जेई पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं और एडवांस का जो भी एक सवाल आया होगा वो भी देख लेंगे ठीक है तो इसका मतलब

नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा उससे जाइए टेलीग्राम चैनल पर और आपको यह मिल जाएगा ठीक है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर रहिएगा बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसा बेहतरीन कॉन्टेंट मैं देता रहूंगा वैसे आपको बता दूं आगे बढ़ने के पहले इस चैनल की वेदांतु मैथ जेई मेडिजी चैनल की दो बहुत बड़ी खासियत है पहली खासियत कि इसमें जैसे आप ये जो सेशन देख रहे हैं इसे अकेड सेशन कहते हैं एकेडमिक्स का सेशन में ले रहा हूं तो आपको इस चैनल पे अकेड सेशंस मिलेंगे बहुत सारे अकेड सेशन के साथ साथ इसमें आपकी जरूरत के कुछ नॉन अकेड सेशन भी मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे और जो आपके लिए बेहद जरूरी है एग्जाम्पल के तौर पर से फॉर एग्जाम्पल की जेडब्ल्यू मेन्स में ट्रेंड क्या है, क्या है कट ऑफ का एडवांस में अगर आपको अच्छा करना है तो एडवांस में कंप्लीट सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले पांच साल में मेंस अगर आपको बहुत बढ़िया तैयार करना है तो मेन्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से सबसे ज्यादा सवाल बने हैं वो कौन से होंगे या अगर आपको बेहतरीन कॉलेज चुनना है और अगर आप आई आई टी के अलावा कुछ करना चाहते हैं तो कौन से वो कॉलेज हो सकते हैं तो ऐसे टाइप से नॉन अकेडमिक सेशन जिसकी आपको बेहद जरूरत होगी वो सारे सेशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे इसीलिए चैनल सब्सक्राइब रखिए मजा बहुत आएगा ठीक है चलो भाई शुरू करते हैं और आपको बता दूं आपके लिए डीपीपी डाला है ये इस पूरे चैप्टर का जैसे ही चैप्टर आप ये कंप्लीट कर लें तो डीपीपी जरूर लगाइएगा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जो हैंड रिटन नोट है उसमें क्लिक करेंगे तो डीपीपी ओपन हो जाएगा अगर नहीं क्लिक कर पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डीपीपी डाला है और उसके आगे ये है आपके लिए डेटा तो डेटा दिखा के आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा सा ट्रेंड है और इसीलिए इसके हिसाब से पढ़िएगा जैसे वेटेज सेट्स और रिलेशन का साथ में है क्योंकि जेई मेन्स में इसको साथ में कंसिडर करते हैं तो जेई मेन्स में साल 2024 में इस करंट ईयर में 2.67 परसेंट सवाल पूछे गए हैं मतलब रफली एक क्वेश्चन पर पेपर 2023 में भी मोटा मोटी इतना ही था 2022 में भी इतना ही था 20 और 21 में कम था और जेई एडवांस -E में देखिए पिछले पांच सालों में कभी सवाल नहीं पूछे हैं, सिर्फ एक बार सवाल पूछे थे साल 2022 में उसके बाद कभी नहीं पूछे हैं। तो इसलिए जेई एडवांस का ये टॉपिक नहीं माना जाता है कहा जाता है हालांकि पूछ तो वो पूछ भी सकते हैं लेकिन कहा जाता है कि भाई जनरली वो नहीं पूछते क्लियर बढ़ते आगे चलिए तो आज हम लोग इस सेशन में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं तो डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ सेट्स ऑपरेशन ऑन सेट्स कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे ए टू जेड क्लियर एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हालांकि आपको बता दूं इन केस अगर आपके पास कोई भी बच्चा जो इस सेशन को देख रहा है उसके पास टाइम नहीं है मान लेते हैं तो अगर वो बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहता है इस सेशन का तो वो क्या देख सकता है तो वैसे मैं सजेस्ट करूंगा आप सब देखिए पर इन केस अगर आप सब ना देख पाए तो टाइप ऑफ सेट्स ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम ये तीन जरूर देखिएगा क्योंकि ये तीन जेडब्लू के सबसे फेवरेट टॉपिक हैं और हर साल ऑलमोस्ट इन तीनों में से कहीं ना कहीं से सवाल टकराया है तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट होंगे इस तीन को आप मत छोड़िएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो लंबा होने वाला है लंबा होगा तो कई बार कई बीच में ऐसे ऐसे हालात होते हैं कि बच्चों को लगता है यार बहुत हो गया नहीं हो पा रहा है कॉन्सेंट्रेशन टूट रहा है तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगने लगे तो ये तीन टॉपिक्स जरूर करके जाइएगा ठीक है चलिए और हां तीन टॉपिक्स पे पहुंचा कैसे जाए इसी वीडियो में नीचे जो जो टाइमलाइन दिख रहा है ना जिससे आप स्क्रोलर से आगे पीछे वीडियो कर सकते हैं तो वो स्क्रोल कर लीजिए आगे पीछे आपको दिख जाएगा वहां पे नाम लिखा हुआ टाइप ऑफ सेट्स ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम ठीक है चलिए शुरू करते हैं और आपको एक और चीज दिखा दूं तो ये मैं आज के इस सेशन में पूरी तरह से आपको एनालिसिस के साथ पढ़ाऊंगा आप जैसे देखो इस टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं छब्बीस जुलाई दो हजार अप्रैल दो तो प्रीवियस ईयर कैसे आ रहे हैं इसके हिसाब से मैं कराऊंगा और वैसा ही पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आज के सेशन में कवर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलोइंग सर्टेन रूल एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं कहता हूं नंबर्स लेस देन ट्वेंटी ठीक है मैंने कहा ए इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 20 तो सारे इवन नंबर जो 20 से छोटे हैं वो कौन-कौन से होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तो बन गया मेरा सेट तो मैंने सेट बनाया 2 से लेकर 18 तक अब ये 2 से लेकर 18 तक एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे हैं वो रूल क्या है कि ऑल इवन नंबर्स लेस देन 20

तो ए ई आई ओ यू तो हो गया ये भी एक सेट हो गया तो सेट का सिंपल मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एक सर्टेन रूल को फॉलो करने वाले ऑब्जेक्ट ठीक है अब ध्यान दीजिएगा तो ये तो हो गया सेट का डेफिनेशन सिंपल साफ शब्दों में अब मूविंग फॉरवर्ड इस ए को तो सेट को लिखने के भी दो तरीके होते हैं जैसे ए को मैंने लिखा ऐसा और एक इसी ए को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए इज एलिमेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स होगा इसमें सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स एक्स इज इक्वल टू टू एम एंड इज़ लेस देन ट्वेंटी तो मैंने तीन कंडीशन डाले कि भैया एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए ताकि जीरो वाला इशू ना आए एक्स टू एम होना चाहिए टू का मल्टीपल होना चाहिए और एक्स 20 से छोटा होना चाहिए ठीक है या फिर इनफैक्ट यहां पर यह कर लेते हैं एम बिलोंग्स टू सॉरी एम बिलोंग्स टू इसको इसको ऐसा लिख लेते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एम वेयर एम इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एम नेचुरल नंबर है तो so, सबसे पहला नंबर टू आएगा और उसके बाद एक्स शुड भी लेस देन ट्वेंटी बीस से छोटा होना चाहिए अब जैसे ही मैंने ये रूल डिफाइन कर दिया ये रूल डिफाइन करते ही मेरे को ए ये जो सेट है इस सेट को लिखने के दो तरीके पता चले या तो मैं रूल लिख दू अब रूल लिख दूंगा भैया तो अच्छा, मतलब तो तो तुम खुद से लिख लो या तो मैंने उसको लिख के दिखा दिया तो अगर मैं रूल बता देता हूं तो इस, इस तरीके से, से, से को जो लिखा जाता है इस तरीकों को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्मेट क्या कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्मेट और अगर तरीका ना बताया जाए बल्कि एलिमेंट्स ही लिख दिया जाए डायरेक्ट मैंने एलिमेंट्स लिख दिए तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्मेट ठीक है रोस्टर फॉर्मेट तो रोस्टर फॉर्मेट में आप एज इट इज एलिमेंट डालते हैं और अदरवाइज अगर आपने रूल लिख दिया तो वो सेट बिल्डर फॉर्मेट होता है ठीक है तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ये हमने देख लिया एंड देन इसके एग्जांपल्स अब इसके एग्जांपल्स थोड़े से ध्यान से समझना इसलिए जरूरी है कि मैंने आपको यह समझाया कि कौन से एग्जाम्पल्स होंगे पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आपको बताता हूं जो सेट नहीं फॉर्म करेंगे एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट यह तो होगा ए ई आई ओ यू कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर यह भी हो जाएगा दो तीन पांच नौ ग्यारह नहीं दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह हो गया द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स अब ध्यान देना यह एक सेट नहीं बनेगा क्यों क्योंकि सेट के डेफिनेशन में लिखा हुआ था सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ये वेल डिफाइंड जो वर्ड है ना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब कोई ऐसे चीज का सेट बनाते हैं जो डेफिनेशन में अलग अलग हो सकता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम बोलोगे कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स तो तुम बोलोगे सर इसमें विराट कोहली होना चाहिए रोहित शर्मा होना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए मैं बोलूंगा नहीं विराट कोहली रोहित शर्मा क्यों होना चाहिए इसमें होने चाहिए कपिल देव इसमें होने चाहिए विवियन रिचर्ड्स तो अब तुम्हारा और मेरा बहुत वेरी कर गया ना मैं बोलूंगा नहीं यार सचिन तेंदुलकर जैसा तो कोई हुआ ही नहीं क्या विराट कोहली क्या रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर इज इज द गुड प्लेयर तो अब मेरा सोचना अलग है तुम्हारा सोचना अलग है तो गुड क्रिकेट प्लेयर्स नॉट बी डिफाइंड अब अगर ये डिफाइन नहीं किया जा सकता तो इट वोंट कम अंडर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हेंस इसका सेट नहीं बनेगा

बी मतलब बी इज अ सेट ऑफ भोपाल भोपाल में जितने लोग रहते हैं उन सारे लोगों का सेट है बी और उसमें एक इंसान रहता है हर्ष प्रियम तो हर्ष बिलोंग्स टू बी मतलब भोपाल समझ पाए तो ये ये मतलब होता है बिलोंग्स टू का अब आगे बढ़ते हैं न मूविंग फॉरवर्ड कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो आपको ध्यान में रखना होगा इंपॉर्टेंट नोटेशन क्या भाई ये नोटेशन ना जनरली यूज किए जाते हैं जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने यूज कर दिया मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने तुमको बताया ही नहीं है अब एम बिलोंग्स टू एन कर दिया अब ये एन क्या है ये अगर तुमको पता नहीं होगा तो तुमसे सवाल नहीं बनेगा क्योंकि सवाल में हर जगह लिखा नहीं जाएगा कि एन है क्या तो एन आपको समझना होगा कि एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर को हम एन से दिखाते हैं ठीक है तो अभी यहां पर आओ अभी जैसे मान लो ये अभी ये लिखा हुआ है एन एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डब्ल्यू मतलब होल नंबर सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स जेड या आई का मतलब होता है इंटीजर तो जनरली आई नहीं दिखाया जाता है जेड दिखाते हैं लोग ठीक है जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर और जेड माइनस का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर्स ठीक है अब यहां पे एक और चीज नोट कर लीजिएगा पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स जनरली लोगों को क्या लगता है नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा तो लोग सोचते हैं नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव सेम चीज है पर सेम नहीं है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो हमेशा जीरो से शुरू होगा जीरो वन टू थ्री डॉट 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 और पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा वन से शुरू होते हैं वन टू थ्री एंड सो वन ये बात का डिफरेंस है क्यों क्योंकि जो जीरो है ना वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है क्योंकि जीरो जीरो है ना माइनस जीरो भी जीरो है जी, प्लस जीरो भी जीरो ही है तो हेंस जीरो को अगर हमें लेना होता है तो हम उसे पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बल्कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में लेते हैं

एंड देन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये थोड़ा आगे पीछे हो गया सॉरी तो रोस्टर फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया जहां पे हम एलिमेंट्स को एज एट लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट मतलब मैं उसका रूल लिखता हूं किस रूल से मैंने एलिमेंट्स लिखे वो रूल लिख देते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल के तौर पर ये एक आध दो थोड़ा सा सवाल देखिए थोड़ा सा अलाइनमेंट आगे पीछे हो गया पता नहीं क्यों बट ठीक है तो अभी कहां है हम लोग वन टू फोर पे हैं तो वन टू फोर क्या है पता नहीं मेरे को क्या है लेकिन रूल पहले देखते हैं तो कर ऐसा करते हैं रूल से एलिमेंट निकालना आसान होगा x such that x is a prime divisor of 6 दूसरा x such that x belongs to natural number and x is a divisor of 4 4 का डिवाइजर क्या-क्या हो, तो हो सकता है और नेचुरल नंबर तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता तो 1 2 4 है क्या हां है ये दूसरे से मिल गया x such that x is a letter of the word mathematics m a t h तो m a t h math M A T H H math M Mat A T I C S हां बिल्कुल ये मैथमेटिक्स से मैच कर रहा है उसके बाद कहता है x such that x belongs to natural number and x is less than 7 सात से छोटा नेचुरल नंबर एक से लेकर 6 तक होगा लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे है नहीं एक से 6 है नहीं है तो ये इसका कोई मैचिंग नहीं है x such that x is a letter of the word alchemist alchemist का भी यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है तो हेंस अच्छा 1 मिनट सॉरी शायद ए एल अच्छा इस ये ऑलकेमिस्ट जैसा लग रहा है लेकिन इसमें एल मिसिंग है देखो तो ए एल होना चाहिए सी एच ई एम आई एस टी सब कुछ है बस ऑलकेमिस्ट का एल मिसिंग है तो ये यहां से मैच नहीं करेगा तो पहले वाले का सेकंड दूसरे वाले का फर्स्ट तीसरे वाले का तीसरा ठीक है बहुत बढ़िया हमने बना दिया फर्स्ट का सेकेंड सेकेंड का फर्स्ट से, सी का थ्री ठीक है समझ गए चलो आगे बढ़ते हैं अगर सबको सब कुछ समझ में आ रहा है तो राइट द सेट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्मेट तो सेट बिल्डर फॉर्मेट तो पहले तो रूल देखना होगा किस रूल से है तो मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है 2 पे है, 2 पे है, तो बहुत बढ़िया. मैं कुछ समझ में आ गया क्या ए इज अ सेट सच दैट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू पे पावर के सही है एक्स कोई भी नंबर होगा उसका सेट है ये. और वो नंबर किस रूल से और के बिलोंग्स टू डब्ल्यू और कहां तक के जा सकता है तो हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू सिक्स छह से छोटा या छ के बराबर हो सकता है मैंने लिख दिया रूल रूल जैसे ही लिख दिया बन गया सेट बिल्डर समझ पाए क्या तो अब देखो

ये से यहाँ से रूल्स देखना है और रूल देखकर जो नंबर सारे है लिख देना है तो x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो तो अच्छा इसका मतलब इसके जीरोज निकालो पहले तो इसका जीरो एक्स प्लस एट इंटू एक्स माइनस वन बन रहा है हाँ जी बन रहा है इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से जीरो निकला वन और यहाँ से जीरो निकला माइनस एट बिल्कुल सही अब इसमें हमसे कहता है एक्स बिलोंग्स टू आर कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन नहीं लेना तो हम डाल देंगे एक्स एक्स हमारा क्या क्या है एक्स इक्वल्स टू माइनस एट और वन तो हमारा जो सी है जो हमारा एक्चुअली में सेट बनेगा वो बनेगा माइनस एट कॉमा सारे समझ गए क्लियर है बस इतना ही आसान है चलो भाई तो माइनस एट कॉमा अब अगला देखते हैं राइट दे सेट इन दे रोस्टर फॉर्मेट एक्स अब ध्यान दीजिएगा ये जो दो डॉट्स हम लोग अभी बार बार यूज कर रहे थे ये दो डॉट्स इसको कहा जाता है सच दैट अब ये जो सच दैट है इस सच दैट को लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है ये ऐसा डंडा तो ऐसा डंडा लंबा वाला है ना इसको भी हम वही कहते हैं सच दैट सच दैट तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन टेन पॉजिटिव इंटीजर है दस से छोटा एंड टू टू इज एन नंबर नंबर ये एक होगा तो हमारा हमारे को क्या बोला गया कि x a जो है उसके अंदर एलिमेंट x होगा ठीक है x जो होना चाहिए वो दस से छोटा होना चाहिए तो दस से आ, इंटीजर छोटा कौन कौन सा होता है एक दो

तो अब मैं देख रहा हूं कि यार यहां कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार ही होगा तो देखो कॉमन सेंस लगाओ टू पे कोई भी पावर डालोगे तो इवन होगा इवन में अगर करोगे तो जाहिर सी बात है ऑड होगा तो अच्छा ये तो बाई डिफॉल्ट ही एक ऐसा नंबर है जो हमेशा ऑड बनेगा मतलब ये हमारे को क्वेश्चन में सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया टू रेस्ट पावर एक्स माइनस वन इज एन ऑड नंबर ये देखना नहीं है तो हमेशा ऑड नंबर होता है तो बाई डिफॉल्ट नेचर ऐसा है इसका कोई भी नंबर डाल लो हमेशा ऑड आएगा तो अच्छा इसका मतलब फिर तो समझ में आ गया कि अच्छा ए हमारा सेट ऐसा है जिसके अंदर वन से लेके नाइन तक के सारे एलिमेंट्स होंगे और उसके अलावा जो कंडीशन दिया था वो सिर्फ हमको भ्रमाने के लिए या फिर हमको बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ था क्लियर चल भाई आगे बढ़ते हैं तो ए वन से लेके नाइन तक अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट सेट्स का हमने बेसिक समझ लिया अब हम बेसिक समझने के बाद ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है तो टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या होता है पहला टाइप जो हम जानेंगे वो होता है नल सेट या एम सेट या वाइड सेट तीन नाम है इसके और तीनों ही नाम अपने आप में बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है नल सेट मतलब कुछ नहीं है एम मतलब कुछ नहीं है वाइड मतलब खाली है तो कोई भी एक ऐसा सेट जो खाली हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अ सेट ऑफ आई पी एल सीजन वन बाई आर अब ये शायद गलत हो जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैं क्या कहते हैं जब मैं पीपीटी बनाया था तब ये ट्रू था तो उसमें तब जीरो था लेकिन सेट ऑफ आईपीएल से हो गया है यार तो इसलिए ये अब ये अब नल सेट नहीं रहा लेकिन चलो नल सेट का मैं एक और बेटर एग्जाम्पल देता हूं बहुत गलत एग्जाम्पल तो कहा थे कहा थे हाँ तो अपन थे यहां पे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दू तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ ए या या फिर सेट बिल्डर क्यों लिख देता हूँ डायरेक्ट लिखता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स लेस देन वन तो ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट जो वन से छोटा हो तो वन से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है तो अगर मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन तो खाली सेट बनेगा जाहिर सी बात है मैं बोलूं कि मैं तुम्हारा दोस्त तब बनूंगा जब तुम मेरे को सौ करोड़ रुपए दोगे तो तुम बोलोगे ना भाई भागना यार दोस्त नहीं बनना है तो नौटंकी मत कर तो जाहिर सी बात है ऐसा कंडीशन है तो जो फुलफिल ही ना हो सके नहीं हो पाएगा तो वो खाली हो जाएगा तो ये वैसा सा सिचुएशन है ठीक है

अगर ये फाइव से दिखाया जाता है या फिर ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसे से करली ब्रैकेट बना दिया और इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो अब आदमी इतना मेहनत कौन ही करे तो सीधा आदमी फाइव बनाता है ठीक है कि अगर ए इज इक्वल टू फाइव लिख दिया या एक्स बिलोंग्स टू फाइव लिख दिया मतलब एक्स खाली सेट में है या ए खाली सेट है क्लियर चलो अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मानो यहां पर लिखा हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्व टू जीरो और एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब टू एक्स स्क्वासी एक्स की वैल्यू बताइए जो मैं यहां डालू तो टू एक्सर प्लस वन जीरो के बराबर होना चाहिए अब ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि जब तुम इस वन को इधर ले जाओगे तो एक्स वन हो जाएगा और एक्स और ये नीचे ले जाओ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूगी माइनस वन बाई टू कभी भी कोई स्क्वायर नंबर नेगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता नामुमकिन है तो अगर वो एक्स रियल नंबर है तो वो नेगेटिव तो कभी देगा ही नहीं उसका स्क्वायर तो इसीलिए ये एक एम्प्टी सेट बनेगा सिमिलरली अगर लिखा हुआ है मतलब तो भाई यहां से तो साफ साफ दिख रहे थ्री क्या आएगी और ये कहता है इंटीजर होना तो इसीलिए तो तो अब मोटा मोटी बात ये समझ में आई कि एम टी सेट ऐसा सेट होता है जहां पर कोई एलिमेंट नहीं होगा अब एग्जाम्पल के तौर पर जरा एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं अब मान लीजिए सेट ए इज इक्वल टू आर रियल नंबर है एक्स एक्वायर सिक्सटीन है एक्स की वैल्यू यहीं से तुरंत निकाल लो प्लस माइनस फोर अब टू एक्सलिक है और उसी के साथ साथ थ्री भी होना चाहिए तो एक साथ दो तो नहीं हो सकती। अगर यह बोला जाता कि एक्स प्लस माइनस फोर होगा या फिर थ्री होगा तब तो तीनों वैल्यूज आ जाते पर यह कह रहा है कि एक्स स्क्वायर सिक्सटीन भी होना चाहिए और टू एक्स इक्वल टू सिक्स भी होना चाहिए ये दोनों तो एक टाइम पर नहीं होगा एक्स थ्री भी हो जाए और फोर प्लस माइनस फोर भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता

चीज की तरफ अब बात करते हैं सिंगलटन सेट तो सिंगल्टन सेट क्या है वो सिंगल्टन सेट का मतलब होता है ऐसे सारे बच्चे जो टेंथ में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हैं या थोड़ी ठंड लग रही है मैं पहन लेता हूं तो जॉक्स अपार्ट सिंगल्टन सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो तो भाई टेंथ का सॉरी टेंथ बोल दिया इलेवेंथ ट्वेल्थ का या जेई का बच्चा भी तो वैसा ही होता है ना जो पूरी तरह से जेई पे लगा हुआ है वो सिंगल्टन सेट होता है अब अलग बात है तुम में से कुछ सिंगल्टन सेट दिख रहे हो लेकिन हो गए नहीं ओरिजिनली में पर सिंगल्टन सेट यहां पे तो वही होता है कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है अब मान लो सिर्फ वन है तो सिंगलटन सेट का मतलब ओनली वन एलिमेंट तो कोई भी ले लो जैसे जेड जैसे जीरो जैसे, जैसे फाइव वन टू थ्री फोर फाइव अब ध्यान देना यहां पर लोगों को लग रहा होगा सर ये वन टू थ्री फोर फाइव तो पांच है ये फिर सिंगल्टन में कैसे आया अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं यहां पे नोटेशन ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं नोटेशन मतलब जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी इसके बीच में लिखा तो इसको कहते हैं एलिमेंट ठीक है element, क्या कहते हैं एलिमेंट जैसे मान लो ये हो गया वन ठीक है वन लिख दिया अब अगर आपने इसी के बीच में लिख दिया वन टू थ्री ठीक है तो इसका मतलब हुआ इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट डले हुए क्लियर अच्छा अब अगर मान लो मैंने लिख दिया वन और टू ऐसा तो ये वन और टू हो गया पर इसके बाहर मान लो मैंने ऐसा लगा दिया और यहां पे लिख दिया वन और ये कॉमा तो पता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब कि एक सेट है चूंकि करली ब्रैकेट सबसे बड़ा वाला बाहर है ये एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट है एक एलिमेंट वन है और एक एलिमेंट वन टू का सबसेट है या छोटा सा सेट है तो मतलब तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि तुम इसको कैसे इमेजिन करो तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये है डेरी मिल्क का डब्बा जिसके अंदर दो डेरी मिल्क पड़े हैं और ये है एक डेरी मिल्क तो अब देखा जाए तो कॉमन सेंस से इस इंसान के पास दो डेरी मिल्क है पर ये इंसान ऐसा समझता ही नहीं ये समझता है कि भैया मेरे पास अभी दो आइटम है एक कार्टून का डब्बा और एक डेरी मिल्क बस अब भले इसके अंदर क्या एलिमेंट है इससे फर्क नहीं पड़ता सेट थ्योरी इसको नहीं समझता सेट थ्योरी कहेगा कि अगर ए एक सेट है तो इस सेट के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट है एक वन और एक ये वन टू का सबसेट समझ पाए क्या मेरी बात तो इसीलिए यहां पे जब करली ब्रैकेट लग गया तो जैसे समझ के देखो एक दो तीन चार पांच ये क्या है पांच एलिमेंट्स है अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो लिख देंगे पांच एलिमेंट्स लेकिन जैसे ही मैं इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगाता हूं इसका मतलब अब ये जो बाहर ब्रैकेट वाला और इसको मैं लिख देता हूं मान लो बी तो बी इज अ सेट हैविंग ओनली वन वन एलिमेंट एंड व्हाट इज दैट एलिमेंट ये समझ पाए मेरी बात तो यहां पे बच्चा जनरली बहुत कंफ्यूज होता है उसको लगता है अरे यार ये क्या झोल हो रहा है क्योंकि जनरली हम आम जिंदगी में ये सब देखते नहीं है ना पर एक्चुअली में ये फैक्ट है और थ्योरी ऐसा ही कहता है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स जहां पे चेंज हुए आप समझ जाइएगा वहां पे कुछ मामला अलग है आप उसको सिंपल तरीके से नहीं लिख सकते हैं या समझ सकते हैं क्लियर है तो और अब जैसे मान लो ये है फाइव बच्चा बोलेगा ये तो फाइव है ये तो ये तो खाली है जीरो है पर नहीं इसके बाहर देखो ये करली ब्रैकेट लग गया करली ब्रैकेट लग गया मतलब अब ये एक एलिमेंट बन गया सिर्फ फाइव लिखा रहता मतलब खाली है ये ये सिंगल्टन सेट नहीं होगा सेट होने के लिए ये इसके करली ब्रैकेट लग गए मतलब इसके पास एक एलिमेंट है five. समझ पाए मेरी बात क्लियर है हो सकता है मेरे को जहां तक महसूस हो पा रहा है कि शायद बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाए होंगे तो मैं एक दो और अभी अभी आगे दे दूंगा क्योंकि वे भी पूरा सेट पढ़ाएंगे ये ऐसे ऐसे केसेस बहुत बार आएंगे ठीक है तो वहां बता देंगे चलिए अब दूसरा इसका जो तीसरा है नेक्स्ट है दैट इज फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल दूं कि एक सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन टेन ठीक है ये लिखो तो ये फाइनाइट सेट है एक्स नेचुरल नंबर होगा और एक्स दस से छोटा होगा तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ एलिमेंट अब इसी चीज में मैं बस थोड़ा सा बदलाव करूं मैं लिखूं बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बस इतने पे छोड़ दू मैं लेस देन टेन ना लिखू तो देखो ये हो गया फाइनाइट सेट और ये हो गया अब समझ ही गए हो गया ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट तो ये ज्यादा बहने वाला है ये और छोर नहीं है फैल गया ये और ये फैला नहीं ये अपनी है अपनी औकात में ठीक है चलिए जी अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द द कॉल्ड ऑर्डर और द दर्डिनेलिटी ऑफ द सेट ए जनरली डिनोटेड बाई ओ ऑफ ए और एन ऑफ ए इसका मतलब क्या जैसे कार्डिलिटी एक चीज होती है कार्डिनालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ठीक है तो अगर मान लीजिए मैंने ये वाला लिखा एग्जाम्पल तो दस से छोटा बोला तो दस से छोटा मतलब यहां पे क्या होगा One, two, three, ऐसा करते करते कहां तक नौ तक तो इस सेट की ये जो ए सेट सेट है इस सेट का अगर कोई कार्डिनलिटी पूछे इसका मतलब वो पूछ रहा है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं तो आपको दिख रहा है साफ साफ नौ एलिमेंट्स हैं तो इसको दिखाया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नाइन और इसी के इसी को हम कहते हैं कार्डिनलिटी ठीक है इसको थोड़ा याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब जैसे यहां पे अगर कोई आपसे पूछ दे ये मैंने अभी अभी आपको सिखाया और पढ़ाया है अगर आपसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ए में कितने एलिमेंट्स हैं अब मैं जानना चाहता हूं कि वो आंसर क्या होगा तीन होगा या चार होगा जल्दी बताओ क्या होगा तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे चार लेकिन एक्चुअली में एक एलिमेंट यहां दूसरा एलिमेंट यहां और ये टोटल एक एलिमेंट माना जाएगा इसको दो एलिमेंट अलग अलग मत मानिएगा क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट आ चुका है तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास? तीन। तीन तो तो ठीक है? याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं अब मैंने अभी भी बता दिया अब इसमें ऐसे सेट जिसमें नंबर इनफाइनाइट हो जैसे मैंने अभी लिखा था एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो वहां पे मैंने एक्स को कहीं बाउंड नहीं किया था तो एक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 नंबर्स होते हैं infinite तक जाएगा अब अब आगे बात करते हैं और अब next is equal sets. तो equal sets का मतलब ये है कि भाई ऐसे sets जो बिल्कुल बराबर हो। बिल्कुल बराबर बराबर हो का मतलब अब जैसे मान लो मैंने एक्स एक सेट लिखा जिस सेट के अंदर है एप्पल ऑरेंज पियर बनाना अब इसी एप्पल ऑरेंज पियर बनाना को या तो एज इट इज मैं लिख दूं या फिर आगे पीछे कर दूं बनाना एप्पल ऑरेंज पियर तो आगे पीछे होने सेट से की वैल्यू चेंज नहीं होती बिल्कुल नहीं तो इस केस में एक्स और वाई दोनों सेम होंगे क्योंकि बनाना बनाना ऑरेंज ऑरेंज एप्पल एप्पल पियर पियर वो है और वैसे ही अगर मैं इसमें और आगे जंबल कर दू पियर बनाना एप्पल ऑरेंज ये सब सेम है तो यहां पर ये सारे के सारे सेम होंगे ठीक है एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये सारे चारों सेट्स इक्वल होंगे इक्वल कहे जाएंगे बट हां ध्यान दीजिएगा अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए जिसके अंदर एप्पल है बनाना है और उसके बाद कीवी है और ग्रेप्स है ठीक है तो आप देखो चार फ्रूट तो इसके अंदर भी है चार फ्रूट इसके अंदर भी है तो क्या ये दोनों बराबर होंगे नहीं क्योंकि फल बदल गए तो इसी इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए तब जाकर सेट दो बराबर होते हैं अदरवाइज नहीं होते तो यहां पे ए विल नॉट बी इक्वल टू एक्स क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए में अगर जीरो 2 2, कर दो चाहे अब ये दोनों बराबर होगा लेकिन जीरो डबल वन टू करो अब ध्यान से देखना ये जीरो लिखा ही नहीं जाता क्योंकि सेट का हमेशा मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए सेम ऑब्जेक्ट को दो बार नहीं लिखते हम लोग ये सेट में कभी नहीं होता तो अगर सी में लिखा हुआ जीरो वन वन टू इसका मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि ये भैया जीरो वन और टू है ठीक है तो इस हिसाब से बी सी तीनों के तीनों बराबर क्लियर बात आगे बढ़ते हैं अब एक के तौर एक 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 इस तो इसको पहले तो फैक्टराइज करो तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन दिख रहा है माइनस टू अब मेरे को बताओ कि क्या बी सेट जिसके पास माइनस टू माइनस वन है

और एफ एल ओडब्ल्यू यहाँ पे भी है क्या वोल्फ का भी उल्टा या डब्ल्यू एल एफ जैसा कर लो तो फॉलो में एफ एल ओडबू है एफ एल ओड्ल्यू और यहाँ पे भी एफ एल ओडब्लू आएगा तो हाँ भैया ये दोनों सेट अब बराबर होंगे क्योंकि दोनों में जो लेटर्स हैं वो सेम लेटर्स हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बोलो हाँ क्लियर है, है एकदम चलिए अब अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे तो देखो एफ एल ओ डब्ल्यू एफ ओ एल डब्ल्यू और यहाँ पे भी एफ ओ एल डब्ल्यू क्लियरली दोनों बराबर है

तो भैया देखो वन टू थ्री में तीन एलिमेंट्स हैं और डॉग कैट पैरेट में भी तीन एलिमेंट्स हैं तो अब इन दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा मतलब कि अगर ये सेट ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू सेट बी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल तब दे विल बी कॉल्ड एज इक्वी वैलेंट सेट इक्वी वैलेंट अब तुम बोलोगे सर तो फिर इसका मतलब अगर वन टू थ्री है और बाजू वाला एक और वन टू थ्री है तो क्या ये भी इक्वेलेंट होगा बिल्कुल होगा हर इक्वल सेट सेट होता है, लेकिन हर इक्वेलेंट ऐसा जरूरी नहीं है, समझ पाए मेरी बातेंट तो है, हाँ है।, है तो क्या ये है? हाँ, भी होंगे है तो ही होंगे पर यहां पर सिर्फ ये इक्वेलेंट है इक्वल नहीं क्लियर बात और ध्यान रखिएगा यहां पर जब जैसे मान लो ऐसा हो जाए वन टू थ्री एक सेट हो जाए और एक सेट हो जाए वन टू फाइव तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि इक्वल होने के लिए तीनों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए नहीं है तीनों क्या ये इक्वेलेंट है हाँ बिल्कुल इक्वेलेंट है समझ पाए मेरी बात चलो ना मूविंग फॉरवर्ड अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करते हैं सबसेट्स के बारे में तो सबसेट्स क्या होता है तो सबसेट को मतलब तुम ऐसा समझो पिता का पुत्र माता की मतलब माता पिता का बच्चा पुत्र कहो पुत्री कहो जो कह लो तो सिंपल मतलब ये है कि अब जैसे मान लो ये आइसक्रीम का ब्लॉक है ठीक है तो शादी में ऐसा बड़ा वाला आइसक्रीम रखते हैं ना देखोगे आजकल तो गर्मी भी बहुत है तो ऐसा टाइप से ये ये आइसक्रीम का क्यूब होता है और इसमें से निकाल निकाल के दे रहे होते हैं ऐसा ही होता है ना अब यहाँ से जैसे ही वो निकाल के देते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लो ये ऐसा सा डिप्रेशन बना और ये एक इस टाइप की चम्मच होती है जिससे ऐसे निकालते हैं एक स्कूप और ये स्कूप तुमको ऐसा कटोरी में छोटा सा कटोरी में दे देते हैं लीजिए खाइए मजे से आइसक्रीम तो ये जो आइसक्रीम है ये इस बड़े वाले आइसक्रीम का सबसेट है यहां से निकला हुआ पार्ट है तो सबसेट का मतलब नाम से जैसे समझ में आ रहा है सबसेट मतलब उस सेट से निकला हुआ एलिमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड सबसेट ठीक है अब जैसे मान लो आईपीएल है आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स हैं सारे के सारे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं आईपीएल में वो किसी ना किसी टीम का हिस्सा है तो अब जैसे मान लो इधर सीएसके है तो सीएसके भी क्या है एक आईपीएल की टीम है ना एक आईपीएल की टीम है तो सीएसके कहां से निकली है आईपीएल से निकली है भाई ही है ना आईपीएल में सारे टीम्स हैं राजस्थान रॉयल्स और ये वो आर हो गया सीएस हो गया मेरे को सब पता नहीं है क्योंकि तो मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन नहीं हूं पर मैंने सोचा कि इससे तुम बहुत अच्छा कोरिलेट कर पाओगे तो मैंने बता रहा हूं तो आईपीएल है आईपीएल में बहुत सारी टीम्स है वन ऑफ द टीम इज सीएस तो सीएसके कहां से निकली आईपीएल से तो सीएसके इज अ सबसेट ऑफ आईपीएल और ये साइन होता है सबसेट का ये साइन होता है सबसेट का जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं से फॉर एग्जांपल एक दो तीन चार पाँच एक ही सेट है और इसमें से मैंने क्या किया एक दो यहाँ पे ए सेट लिखा और इसमें लिखा एक दो है तो मैं कह सकता हूँ कि और ये बी है मान लो तो मैं कह सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी ऐसे सी टाइप का साइन बना देते हैं और एंड एंड वी कॉल इट सबसेट तो ये जो साइन है ये सबसेट का है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी ऐसे बनता है क्या मेरी बात सबको समझ में आई क्लियर है चलिए अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे वैसे यहां बताते चलना नीचे कमेंट बॉक्स में कि चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं और कुछ भी इशू हो डू लेट मी नो ताकि मैं उसको अगले वीडियो में सही कर पाऊं क्लियर चल भाई आगे बढ़ते हैं अब सबसेट का डेफिनेशन मैंने बता दिया स, स, सेट ए इज सेट टू तो बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी डेफिनेशन के हिसाब से तो यही है बट हम लोग समझ गए मोटा मोटी कि भाई उसी में से निकलना चाहिए अच्छा एक और बात हाँ यहाँ पे एक और बात अब मान लो ये ए तो सबसेट है मान लेते हैं मैंने एक और चीज बनाई C जिसमें है वन टू और नाइन ठीक है अब देखो इसमें वन और टू तो यहां से निकला हुआ है लेकिन नाइन नहीं है इससे तो क्या मैं कहूंगा कि ये इसका सबसेट है नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगा इट इज जस्ट लाइक C इज नॉट सबसेट ऑफ B मतलब ये तुम इसको ऐसे समझो कि भाई तुम हो माता पिता के बच्चे अब तुम्हारा दोस्त आ गया तो ठीक है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई तो ठीक है मतलब माता पिता बोलेंगे तुम भी हमारे बच्चे जैसे हो लेकिन बच्चा थोड़ी हो मतलब थोड़ी हो, तो हो, समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात क्या है कि भाई सबसेट का मतलब होता है एकदम इसी से निकला इसी का खून होना ऐसे दोस्त भी जैसे कहते ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर तो वैसा नहीं चलेगा क्लियर आगे बढ़ते हैं मूविंग फॉरवर्ड सबसे हाँ ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि एवरी सेट इज अबसेट ऑफ इट सेल्फ मतलब इंटरेस्टिंगली हालांकि इसमें जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैं, मैं, मैंने सोचा यार इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है बट इंटरेस्टिंगली ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए वन और टू दो एलिमेंट्स हैं तो अब इसमें से तुम सबसेट क्या क्या बना सकते हो तुम सबसेट बना सकते हो हो सकता है वन हो सकता है टू बंदा तो यही सोचेगा कि यार वन और टू मैंने निकाल लिया बट इंटरेस्टिंगली इसमें से दो सबसेट्स और बनते हैं एक सबसेट बनता है कि आप इसमें से कुछ ना निकालो तो फाई तो आपको पता है फाइ इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट इनफैक्ट फाइ इज अबसेट ऑफ एवरी सेट इन दर्ल्ड सच बता रहा हूं मजाक नहीं कर रहा हूं तो फाइ का मतलब क्या होता है हवा तो है तो अगर मैं बोलू हवा एलिमेंट है दुनिया के हर एक कमरे का या हर एक स्पेस का तो बिल्कुल सही बात है हर एक कमरे हर एक स्पेस में हवा होता है में कुछ एकदम स्पेशल वैक्यूम ना बना दो बट हवा तो होता ही है ये बात पक्की है तो फाइ इज अबसेट ऑफ एवरी सेट ये लॉजिकल था पर ये वन कॉमा टू मैं एज इट इज लिख दू ना तो ये भी कहलाता है कि दिस इज सबसेट ऑफ ए हाँ सच बता रहा हूं मजाक नहीं करो तो अगर आप सारे के सारे एलिमेंट निकाल लो निकाल के एक दूसरा सेट बना दो फॉर एग्जाम्पल बी तो यहां पे है हालांकि ए इज इज इक्वल टू बी ये दोनों बिल्कुल बराबर है पर आप बी इज अ सबसेट ऑफ ए ये बिल्कुल लिख सकते हो कोई इसमें बुराई नहीं है समझ पा रहे हो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एवरी सेट हर सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ वो खुद का ही सबसेट भी होगा और ये फॉर द फैक्ट आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट इज 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 फाइव ऑफ 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 ऑल ये जो मैंने बताया एंड एंड ए ए बी बी मतलब आप जाहिर सी बात है जब दोनों बराबर होंगे तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं बी इज अबसेट ऑफ ए या फिर ए इज अबसेट ऑफ बी तो जब ये दोनों लिख दोगे इसका मतलब ही है कि आपका दोनों सेट बराबर है समझ पाए क्लियर है चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूं जैसे ए एक सेट है जिसके अंदर पी क्यू और एक एलिमेंट है टू कॉमा थ्री का सबसेट तो ध्यान दीजिए अब तुम समझ पा रहे हो कि ये सबसेट है मतलब ये कॉमा का एक पैकेट बनाया हुआ है तो ये एक बेसिकली कहीं से निकला हुआ सबसेट है तो अब पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू ए सॉरी सबसेट ऑफ ए बिल्कुल सही बात है पी कॉमा क्यू इज अ सबसेट ऑफ ए बिल्कुल सही है टू कॉमा थ्री अच्छा यहां पे एक ब्रैकेट छूट गया नहीं अच्छा सही है हाँ टू कॉमा थ्री कॉमा पी इज अबसेट ऑफ ए ये भी सही है मतलब हमने यहां से टू कॉमा थ्री निकाला और पी निकाला तो देखो टू कॉमा थ्री ये निकाला और यह पी निकाला अब ध्यान देना अगर मैं लिखूं यहां परमा थ्री टू कॉमा थ्री इज अ सबसेट ऑफ ए तो यह गलत होगा यह गलत होगा तो बोलो गलत कैसे होगा तो पहले मैं दिखाता हूं सही क्या होगा तब समझ में आएगा गलत कैसे होगा तो इसका सही वर्जन होगा टू कॉमा थ्री ये इतना ये जो कि एलिमेंट है और एलिमेंट हम थोड़ी लिखते हैं सबसेट एलिमेंट को किस में दिखाते हैं a. हमने P को आपको एक ब्रैकेट में डालना होगा ये आपने ब्रैकेट में डाला अब आप लिख सकते हैं सॉरी अब आप लिख सकते हैं इज अबसेट ऑफ ए तो ये अब सही है तो फिर यहां पे क्या लिखना चाहिए था तो यहां पे ये वाला एलिमेंट सही सही तब होता जब मैं लिखता टू कौमा थ्री बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए मतलब जैसे अगर यहां से सिर्फ मेरे को पी निकालना है तो मैं अगर लिखूंगा पी बिलोंग्स टू ए तो बिल्कुल राइट right है लेकिन अगर मैं लिख दू पी इज अ सबसेट ऑफ ए ये गलत है क्योंकि एक एलिमेंट कांड सेट ओनली अ सेट कैन बी अबसेट ऑफ सम अदर सेट मतलब भाई जाहिर सी बात है ना इसमें से निकाल के तुम एक सेट बनाओ

को बताना जरूर नीचे लिख के कमेंट में कि हाँ समझ आ हा रहा है कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं पावर सेट ये भैया बहुत बढ़िया चीज है पावर सेट पावरफुल सेट तो पावर सेट का मतलब क्या होता है नंबर नंबर ऑफ 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 सबसेट्स सबसेट्स एनी एनी सेट 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 पावर का मतलब क्या होता है of of तो जरा के तौर पे देखना जैसे मान लो अभी मैंने पीछे लिखा था ए जिसके पास वन कॉमा टू है तो अगर ये वन कॉमा टू है तो इसमें क्या क्या सबसेट मुमकिन है तो पहला सबसेट तो भैया फाइव हवा तो हर जगह होती है हवा हर जगह है दूसरा वन ठीक है तीसरा टू ठीक है और चौथा तो चौथा मैंने हम लोगों ने अभी देखा वन yes, लिख टू हैं।, हैं तो लिख दिया हमने ठीक है तो अब टोटल कितने हो गए चार चार का मतलब होता है दो पे पावर दो सच बताया दो पे पावर दो अब जैसे मान लो यहीं पे अगर होता बी मैं इधर लिख देता हूं मान लो एक सेट होता बी जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है वन तो इसके पास क्या क्या सबसेट्स बनते एक बनता फाइव कुछ भी नहीं एक बनता ये खुद अपना एलिमेंट वन ठीक है तो इसके पास सबसेट्स कितने बने टू पे पावर वन दो सबसेट बने ना टू पे पावर वन यहाँ पे कितने बने एक दो तीन चार दो पे पावर दो अच्छा तो इसका मतलब फिर पैटर्न पकड़ रहे हो गए पैटर्न तीसरा आप जो सबसे इंपॉर्टेंट सी मान लेते हैं वन टू थ्री तो वन टू थ्री तो वन टू थ्री में सबसेट्स कितने बनेंगे तो पहला सबसेट तो सबको पता है फाइव आखिरी वाला भी पता है one, two, उसके बीच में क्या तो हाजी टू थ्री हाजी थ्री 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 वन ध्यान दीजिएगा थ्री कॉमा वन और वन कोमा थ्री यहाँ अलग नहीं होता सेम ही चीज है तो हमने एक दो तीन तीन इधर बनाया और एक दो तीन तीन इधर बनाया छत और आखिरी वाला क्या बना वन कॉमा टू कोमा थ्री क्योंकि हमने सिंगल सिंगल सारे ले लिया डबल ले लिया अब ट्रिपल ले लिया तो अब इससे तुमको समझ में आई गया होगा कि ये कौन सा पैटर्न दिखा रहा है टू पे पावर थ्री टू पे पावर थ्री आठ होता है ना तो अब तुमको यहाँ से रूल भी समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो इसी को हम कहते हैं पावर सेट क्या कहते हैं इसको बी कॉल पावर सेट

एग्जा अगर लिखना है तो ये इस तरीके से अभी अभी हमने लिखा भी कि हाँ भैया इसी तरीके से लिखते हैं लिख दिया हाँ बाहर में एक करली ब्रैकेट लगा देना क्यों क्योंकि ये जो है ना पावर सेट तो देखो नाम में क्या लगा हुआ है इसके नाम में लिखा हुआ है पावर सेट तो ये पावर सेट है सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स पीछे देखो डेफिनेशन क्या था कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स तो सारे सबसेट जो हमने बनाए ये तो हमने सबसेट देखने के लिए किया पर अगर इसी को पावर सेट में लिखना होता तो मैं इन सब के बाहर एक बड़ा सा करली ब्रैकेट लगाता क्योंकि जब तक ये लगा ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये सारे एलिमेंट हैं किसी सेट के समझ पा रहे हो तो ये कर्ली ब्रैकेट जरूर लगा देना बिकॉज करली ब्रैकेट ही आपको बताएगा कि भैया ये एक सेट हो चुका है और पावर सेट इज अ सेट बेसिकली तो सेट के लिए तो भैया करली ब्रैकेट होना जरूरी है समझ पाए तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसके बाहर एकदम इधर और इधर ये करली ब्रैकेट जरूर लगा देना ठीक है चलो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू पी देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2 रे टू पावर पी बिल्कुल सही मतलब ये बोला क्या है बोला ये है कि भाई कोई भी एक सेट है मान लीजिए ए जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स जो है पी हैं पी एलिमेंट्स तो अगर पी एलिमेंट्स हैं तो आप यही लिखेंगे ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू पी हां तो अब इसके पावर सेट क्या होगा पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे तो उतने ही होंगे जितने टोटल टू पावर सेट में वो to power P, तो आ गया। चलो अब एक सवाल करते हैं मजा आएगा देखना कहता है टू फाइनाइट और ये वाले सवाल पे इतना जोर मैं क्यों ये वाले सवाल नहीं मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से जेई में सवाल पूछे जाते हैं ठीक है

अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो अब आप जैसे ही सॉल्व करेंगे सॉल्व करके आपका क्या आंसर आएगा वो आपको निकालना होगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्व करने का को कोई तरीका नहीं होता है ये आपको हिट एंड ट्रायल से ही देखना पड़ेगा तो टू की और कौन से वैल्यूज उठाने सही है इधर वाले या इधर वाले पहले तो इधर वाले ज्यादा सही है टू पे पावर जीरो डालोगे तो वन बारह और एक तेरह कुछ बना नहीं टू पे पावर वन डाला तो बारह और दो चौदह नहीं बना बारह और चार सोलह टू पे पावर टू सोलह तो भैया बारह और चार मतलब टू पे पावर टू डाल रहे हैं तो ये सेंस बन रहा है 16 क्योंकि सोलह भी टू पे पावर फोर होता है तो अच्छा ये पता चल गया इसका मतलब अच्छा ये, पावर फोर 12 है, ये से ही निकलेगा। और कोई तरीका नहीं चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब सेट एस में वन से लेकर हंड्रेड हंड्र तक नंबर है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ए अब ध्यान देखना क्या बोला नॉन सबसेट्स ऑफ सबसे मतलब आप जितने भी निकालते हैं टू रेस टू पावर करके उसमें से एक तो हटा ही दीजिएगा आपको एक हटाना पड़ेगा ना क्योंकि आपको बोला है नॉन एम तो नॉन एम टी में तो एक हटा देना है नॉन एम टी सबसेट ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन अब देखो जेई में ऐसा सवाल पूछा डायरेक्ट नहीं पूछा पावर सेट पे पावर सेट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा और दिमाग लगवाया तो आप ध्यान से देखो नंबर ऑफ नॉन एम टी सबसेट ए तो ये तो बहुत ही सिंपल है नॉन एम टी सबसेट क्या होगा गया दो पे पावर सौ और माइनस वन तो तो बहुत आसान है। है। मतलब वो वो जो सबसेट होना होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए चाहिए। ऐसा कि उसके अंदर जितने एलिमेंट्स उसको मैं आपस में करूं, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा आना चाहिए। अच्छी बात है। लेकिन फिर देखो कब कब आता है? तो कब कब आता है? अगर मैं even को even से करूं, आता है? हाँ जी आता है? तो अगर यहां पर भी और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करूं नहीं यहाँ पे इवन नहीं आता है तो यहाँ पे ऑड आ जाता है तो एक बात बताओ ये दो निकालना तो अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कराए तो हमेशा आंसर ऑड आता है ये तो कभी इवन नहीं आ सकता तो मैं ऐसा क्यों ना कर लू ऐसा क्यों ना कर लू कि मैं इसमें से नंबर ऑफ सेट्स नंबर ऑफ सेट्स, नॉन एम टी सबसेट्स विथ ऑर्ड नंबर लू सिर्फ नंबर क्योंकि ऑड नंबर के सबसेट को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा उसके कोई भी एलिमेंट को तो हमेशा आंसर ऑड ही आएगा तो मैं नंबर ऑफ नॉन एमटी सबसेट विथ ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा दो पे पावर पचास माइनस वन क्योंकि इसमें से फाइव हटाएंगे तो माइनस वन तो दो पे पावर पचास क्यों लिया क्योंकि एक से लेकर हंड्रेड तक में एलिमेंट ऑड वाले कितने होंगे पचास, तो मैंने पचास को साइड किया और उसमें से कितने सबसेट बनेंगे तो दो पे पावर पचास माइनस दो ये टोटल सबसेट्स पॉसिबल थे पर ये कह रहा है इस टोटल सबसेट्स में से हमको ऐसा ही सबसेट चाहिए जहां पे हमेशा प्रोडक्ट इवन आए तो मैं सारे ऑड वाले को अगर माइनस कर दूं इस टोटल में से तो इवन वाला ही बचेगा ऐसा ही होता है कॉमन सेंस तो भैया दो पे पावर हंड्रेड माइनस वन इसमें से टोटल सबसेट्स में से माइनस कर रहा हूं टू तो पे पावर फिफ्टी माइनस वन जो ऑड वाला है तो ऑड और, और ये टोटल तो टोटल माइनस सॉरी टोटल टोटल माइनस ऑड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा भागते भागते कैसे अब ये दोनों में से वन वन तो कटा तो आंसर क्या बना दो पे पावर हंड्रेड माइनस दो पे पावर पचास अब इनमें से कॉमन क्या निकालोगे दो पे पावर पचास तो जैसे ही आप दो पे पावर पचास कॉमन निकालेंगे बचेगा क्या बचेगा दो पे पावर पचास और माइनस का वन ऐसा ही बचेगा दो पे पार पचास इंटू दो पे पवार पचास दो पे पार हंड्रेड और दो पे पवार पचास से मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने तो पे और पचास तो हेंस वी हैव हाँ गॉट द आंसर बल्ले बल्ले क्या ये बात सबको समझ में आई बोलो हाँ ना क्लियर है पक्का बताते चलो भैया चैट बॉक्स में क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर क्लियर है तो हेंस वी आंसर और देखो ऐसे ही सवाल जेई में पूछे भी जाते हैं

चार चार के बाद आठ लगाओगे तो एक सौ so बीस भी नहीं है आठ के बाद सोलह लगाओगे तो सोलह अगर तुम लगाते हो दो पे पावर चार और यहाँ पे एक सौ so बारह तो सोलह और एक सौ so बारह एक सौ so अट्ठाईस बनता है बनता है एक सौ so अट्ठाईस देखो तो और ये एक सौ अट्ठाईस आता है दो पे पावर सेवन से करके देखो तो अगर ये टू पे पावर सेवन इज इक्वल टू एक सौ बारह प्लस सोलह एक सौ अट्ठाईस एक सौ तो आ गया एम की वैल्यू सेवन और एन की वैल्यू फोर बल्ले बल्ले क्लियर है क्या बोलो हाँ ना क्लियर है सिंपल था अब लेकिन जितना भी सिंपल था जैसा भी था पर जेई का सवाल था तो जेई में ऐसे सवाल आए हैं ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर सेवन कॉमा सेवन बाई मिस्टेक दिया हुआ लग रहा है सेवन कॉमा फोर होगा बेटा सेवन कॉमा फोर सेवन कॉमा सेवन नहीं होगा सेवन कॉमा फोर होगा हाँ भाई सेवन और ये फोर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं

पर वो चाहता है कि तुम एम और एन की वैल्यू निकालो ये दोनों पॉइंट्स आ जाए फिर डिस्टेंस फॉर्मल लगा दो ये तो बहुत हलवा हो जाएगा तो चलो वही सेम काम टू रेस टू पावर एम और देखो ये ऐसा नहीं कि एक ही बार आया बार बार आ रहा है साल 2024 का है ये सवाल देखो पहले पहले कहाँ आया था साल 2020 में देख रहे हो तो बार बार ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं टू पे पावर एम फिफ्टी सिक्स मोर देन फिफ्टी सिक्स प्लस टू रेस टू पावर एन अब इसमें वापस लगाओ दो से नहीं चार से नहीं आठ से आठ से चौसठ हो रहा है बिल्कुल

यहाँ भाई वो जय ही घुमाने की कोशिश तो करेगा अब हो सकता है अगली बार कुछ ऐसा ही पूछे और उसके आगे कुछ और लगा दे हो सकता है बोल दे कि अगर एम और एन ऐसा है तो लिमिट एम लिमिट एक्स टेंड्स टू एम और एक्स टू दी पावर एन क्या होगा बताइए कुछ ऐसा अब वहाँ पे लिमिट लग जाएगा हो सकता है बहुत सारा बच्चा डर जाए सर लिमिट लगा दिया अरे कुछ नहीं लगाया सिंपल है ठीक है चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं तो अंडरस्टैंड द ऑन सेट फर्स्ट वी नीड टू नो द टर्म यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो यूनिवर्सल सेट को तुम समझ सकते हो माँ क्या होता है माँ माँ का मतलब अब जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि यार ए एक सेट है जो कि जो कि एक्स है सच देट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन टेन ठीक है कोई दूसरा आया बोला यार बी है जहां पर वाई है या फिर एक्स ही रहने दो सच देट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई स्क्वायर इज 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 लेस देन से फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड ठीक है तो वाई स्क्वायर लेस देन हंड्रेड कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं वो तुम लिख दो वैसे ही इसी कुछ है पर अब देखो इन सब में एक जो कॉमन धागा है या एक ऐसा ऐसा सेट में अगर जानना चाहूँ जिसकी जो जो सेट इन सारे सेट्स से बड़ा है और इन सारे सेट्स के नंबर को अपने में रखता है वो है नेचुरल नंबर का सेट दिख रहा है क्या नंबर तो इन सब के लिए इन सब के लिए इनकी मां कौन हो जाएगी नंबर समझ पा रहे हो तो भाई मुद्दे की बात क्या है कि नेचुरल एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसके पास ऐसे ऐसे सारे सेट्स का आपके वो है मतलब जो इनमें एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स उसमें भरे हुए अब लेकिन वहीं पे से फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूस एक्स Such that x is less than 5 and x ंग्स टू R और वही नीचे वाले में भी वैसे लिखो R तो इन केसेस में जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो R हो जाएगा रियल नंबर का तो मैं बताना क्या चाहता हूं यूनिवर्सल सेट हमेशा एक ऐसा सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट जिसमें सारी वैल्यूज आ जाए पर सारी वैल्यूज कौन सी वैल्यूज वो सारी वैल्यूज जो अभी उस पर्टिकुलरली उस सवाल में बात की जा रही है जो उस सवाल में एक्चुअली थिंग्स इन कंसिडरेशन है वैसी सारी वैल्यूज उस मेन सेट में होनी चाहिए तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है ठीक है चलो अगर यहां तक समझ गए यूनिवर्सल सेट के बारे में तो जैसे के तौर मान लो लिखा हुआ है इसमें वन टू थ्री, थ्री थ्री फोर और यूनियन कर दिया तो वन टू थ्री फोर फाइव तो नहीं एक मिनट क्या था वन टू थ्री थ्री फोर फाइव तो ये वन टू थ्री दोनों में कॉमन है है ना कॉमन देखो थ्री दोनों में कॉमन है तो मैंने एक अगर इसको सर्कल से दिखाया है डायग्राम से तो ये एक सर्कल है ए वाला वन टू थ्री वन टू थ्री और बी वाला सर्कल है थ्री फोर फाइव ये सर्कल जो दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो थ्री है क्योंकि थ्री दोनों में कॉमन है अब लेकिन मेरे को बोला गया कि भैया हमारे पास एक सेट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो मैं बोलूंगा ठीक है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है हाँ बन सकता है क्योंकि ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव आए और सिक्स बाहर बैठ गया ये दोनों सर्कल के बाहर तो ये जो बड़ा सा डब्बा है ना जिसमें सारी वैल्यूज है अंदर वालों की उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं पर वो सारी वैल्यूज होनी चाहिए तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं हैं याद याद रखोगे रखोगे क्लियर है चलो अगर ये याद तो आगे बढ़ते हैं। और वैसे इसको वेन डायग्राम कहते हैं बता दूं वेन डायग्राम का मतलब क्या कि बेसिकली वेन डायग्राम इज जो भी नंबर हम लिख रहे हैं या जितने सेट्स की हम बात कर रहे हैं अभी या पीछे जो भी अब हर बार ये सेट लिख लिख के पढ़ना ना बड़ा बोरिंग सा हो जाता है मैथमेटिक्स में हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि भैया चीजें बोरिंग ना हो तो वो बोरिंग ना हो तो इसीलिए आप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे सर्कल से दिखाते हैं व्हिच इज कॉल्ड अस वेन डायग्राम क्लियर अभी आगे आएगा मैं सवाल सॉल्व करूंगा वेन डायग्राम से बहुत मजा आएगा चलो बेटा तो अब ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करते हैं तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में अपने को क्या-क्या जानना है यूनियन ऑफ टू सेट्स जानना है तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में अपन सबसे पहले यूनियन जानेंगे दूसरे नंबर पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जानेंगे तीसरे नंबर पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है एंड देन फाइनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ठीक है तो चलो ध्यान से देखते हैं और समझते हैं इसको कि कैसे कैसे समझना है अब सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट तो यूनियन का मतलब क्या होता है यूनियन का सिंपल मतलब ये होता है जैसे मान लो ए और बी है तो ए में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए जैसे वन टू थ्री लिखा हुआ है और बी में एक एलिमेंट लिखा हुआ है टू थ्री फोर तो अब ध्यान दो अगर ये वन टू थ्री को मैं ए में दिखाऊंगा तो ये वन है और यहां पे टू होगा और यहां पे थ्री होगा क्यों? क्योंकि टू थ्री है तो ए में लेकिन ये टू थ्री सेम एलिमेंट देखो ये ये पे है और ये टू थ्री बी में भी है तो ये अगर यूनियन लिखता हूं तो मैं यूनियन का मतलब होता है कि भाई ए और बी के जो टोटल एलिमेंट है उसको बताइए ऐसा होता है मतलब ए और बी ए और बी, का अगर यूनियन करें तो वन टू थ्री और फोर तो ए और बी के जो टोटल एलिमेंट है यूनिक वो सारे यूनिक एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं यूनियन में समझ पाए तो आप इसको ऐसे से समझ सकते हो कि जैसे मान लो आ, क्या कहते हैं कैसे मान लो कि हाँ ये पिंकू की शादी हो रही है पिंकू की शादी हो रही है पिंकी के साथ ठीक है तो पिंकू वेट्स पिंकी अब शादी में क्या हुआ है कि भैया पिंकू की भी मम्मी आई है और पिंकी की भी मम्मी आई है पिताजी नहीं आए हैं पिताजी काम में बिजी सेगजाम्पल तो ये हो गया पिंकू ठीक है पिंकू तो पिंकू हो गया और ये हो गया पिंकू के पिंकू और पिंकू की अम्मा जी मदर और ये हो गई पिंकी पिंकी और ये हो गई पिंकी की अम्मा जी ठीक है मदर अब एक बात बताओ कि अगर ध्यान से यहां पे समझा जाए तो टोटल पिंकू के तरफ से आ, मतलब अगर शादी हो गई है तो अगर मैं बोलूं कि पिंकू के फैमिली में कितने लोग हैं तो पिंकू के फैमिली में पिंकू है उसकी मम्मी है उसकी बीवी है वाइफ है पिंकी और पिंकी के फैमिली में कितने लोग हैं तो पिंकी के फैमिली में भी तीन लोग हैं पिंकी है उसके हस्बैंड है पिंकू और उसकी मदर है पिंकी की मदर तो तीन तीन लोग दोनों परिवार में तो देखो दोनों परिवार में तीन तीन लोग हैं यहां भी तीन इंसान है और यहां पे भी तीन इंसान है लेकिन अगर हलवाई खाना बनाएगा या शादी का अरेंजमेंट होगा तो क्या खाना तीन और तीन छह लोगों के लिए बनेगा या फिर सिर्फ चार लोगों के लिए बनेगा जाहिर सी बात है खाना सिर्फ चार लोगों के लिए बनना है पिंकू पिंकू पिंकी और इन दोनों की माता जी समझ पा रहे हो तो यहां पर रेपिटिशन को हम हटाते हैं और इसीलिए यूनियन का एक फॉर्मूला भी होता है फॉर्मूला क्या होता है जैसे मान लो अगर कहीं लिखा रहता है ए यूनियन बी ठीक है और मेरे को यह जानना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि भैया ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और ए और बी जब हमने ऐड कर दिया तो ए और बी ऐड करेंगे तो तीन और तीन हो जाएंगे लेकिन माइनस करते हैं कॉमन एलिमेंट्स को माइनस क्या करते हैं हम कॉमन एलिमेंट्स को तो अभी कॉमन एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं मैथमेटिक्स में ये मैं अभी आगे बताऊंगा पर ये जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के क्योंकि मैंने तो तीन तीन छे ऐड कर दिया पर दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं दो टू और थ्री

जाहिर सी बात है कॉमन सेंस है समझ में भी आना चाहिए कि भैया पिंकू की शादी पिंकी से हुई या पिंकी की शादी पिंकू से हुई दोनों अलग बात थोड़ी है दोनों तो सेम ही बात है दोनों की शादी हुई तो भाई जाहिर सी बात है इसकी उसके हुआ साथ हुई या उसकी इसके साथ सेम चीज ही है तो अगर आप लिखते हैं ए और बी है अगर आप ए यूनियन बी लिखते हैं चाहे बी यूनियन है ये दोनों सेम चीज है देन अगर आप कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी अब यहाँ पे इसको शादी से मत समझना कि पिंकू की शादी हुई पिंकी से और पिंकी की शादी हुई वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो तीन में बिल्कुल मत समझना ऐसा ठीक है तीन को आप ऐसे समझो वेन समझते हैं दो तक रियल लाइफ एग्जाम्पल चल रहा था तो तीन वाले में आप ऐसा समझो कि ए यूनियन बी यूनियन सी तो अगर एक है दूसरा है और तीसरा है तो अगर मैं तीनों का यूनियन लूंगा तो तीनों का यूनियन कैसा लूंगा मैं तीनों का यूनियन ऐसे लूंगा ये 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 तो आउटर बाउंड्रीज ले लेंगे ले 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 और आउटर बाउंड्रीज का मतलब ये बेसिकली कि भैया तीनों के जो टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए वो लेंगे तो ए यूनियन बी और उसके बाद यूनियन सी करें या फिर पहले बी यूनियन सी कर ले फिर बाद में ए करें इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल तो हम टोटल एड ही कर रहे हैं तो टोटल एडिशन कर रहे हैं तो पहले को एड करो बाद में दूसरे को या पहले दूसरे को को बाद में पहले को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब उसके बाद ए यूनियन फाइव ए होता है ए यूनियन फाइव ए होता है का क्या मतलब ध्यान से सुनो इसका मतलब ये कि अगर मान लो ए है हमारे पास कोई सेट और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं खाली डब्बा खाली डब्बा मतलब फाइव कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो अगर ए के साथ आप कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा ए ही मिलेगा से तो वही A union 5, union का मतलब जोड़ना भी होता है तो ए A A, A A तो A A तो मिलेगा हाँ यहां पे, ध्यान रखना, यहां पे ऐसा मत कर देना मैथमेटिक्स का ए और ए को जोड़ दिए तो टू ए हो गया क्योंकि यहां पे जोड़ना नहीं है यूनियन का बेसिकली मतलब होता है टोटल पावर विदाउट रिपिटिशन तो अगर टू ए करोगे तो बेसिकली रिपिटिशन हो जाएगा तो ये रिपीटिशन नहीं होना है एंड देन U union A. U A. का मतलब क्या है U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट तो ध्यान दो अभी जैसे मान लो याद करो यूनिवर्सल सेट अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो वहां पे मैंने बताया था जैसे ये A है और ये यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट मतलब मदर ऑफ ऑल अम्मा माँ तो अभी यूनियन के साथ A, मतलब यूनिवर्सल सेट का A के साथ यूनियन करें बोले इन दोनों में जो भी टोटल एलिमेंट्स है वो बता दो तो इन दोनों में ये भाई A तो निकला ही U से है. तो आप बेसिकली ये कर लो ना कि U के सारे एलिमेंट्स ले लो आपका आंसर आ जाएगा और इसीलिए मतलब तो मतलब जोड़ के टोटल एलिमेंट्स लिख रहे हो तो इन दोनों को जोड़ के टोटल एलिमेंट्स लिखने का मतलब ही ये होगा कि तुम यू का पूरा एलिमेंट लिख दो क्योंकि ए तो इसी का हिस्सा है समझ पा रहे हो तो हेंस दिस इज द प्रॉपर्टी तो ये बात हो गई यूनियन की अब

क्योंकि सिक्स से छोटा है तो यहां पे इक्वालिटी लगी हुई है तो अगर इक्वालिटी लगी हुई है तो ले लेंगे तो इसका मतलब टू थ्री फोर फाइव सिक्स और 6 और टेन दोनों पे इक्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब यहां पे लेंगे सात आठ और नौ सात आठ नौ आ गया ये हो गया बी अब ध्यान दो हमसे कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर अब पहली बात तो ये समझो कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब अगर मैं यूनियन लूंगा तो क्या होगा दोनों के सारे एलिमेंट्स को जोड़ के साथ में लिख देना है है क्योंकि कुछ भी कॉमन ही नहीं तो कोई कॉमन अगर है नहीं तो कुछ माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो अगर मेरे को ए यूनियन बी लिखना है तो ए यूनियन बी विल बी सिंपली टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये पहले वाले का और सेवन एट नाइन दूसरे वाले का सेवन एट नाइन ये हो गया ए यूनियन बी समझ पाए तो बहुत बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया क्लियर है चलो यहां तक अगर समझ गए तो ये हो गया ए यूनियन बी इस तरीके से लिखा जाएगा अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं तो एक और सवाल है ये सवाल कहता है कि X जो है X सेट uh, है ये इस तरीके से लिखा जा रहा है फोर टू दावर एन माइनस थ्री एन माइनस वन जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर है ठीक है और जो y लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है नाइन इंटू एन माइनस वन जहां पे n अगेन नेचुरल नंबर है ठीक है तो मैं x के तीन चार एलिमेंट्स लिख लेता हूं क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइप का सेट दिख रहा है इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे कहीं लिमिट नहीं लगाया ना कि n कहां तक जाएगा तो मैं इनफाइनाइट सेट जाएगा तो इनफाइनाइट तो पूरा लिखते हैं थोड़ी बैठेगा तो कुछ कुछ लिख लेते हैं तो एक्स मैंने लिखता हूँ जैसे वन डालते हैं एन की वैल्यू तीन चार पे चेक कर लो वन टू थ्री पे चेक कर लेते हैं वन डालोगे तो फोर माइनस थ्री माइनस वन तो फोर माइनस थ्री माइनस वन तो जीरो आ गया ठीक है फिर टू डालो तो टू डालोगे तो फोर टू जस्ट फोर पे वो सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस सिक्स माइनस वन नाइन ठीक है थ्री डालो थ्री डालोगे तो डालो चार का तीन पावर तीन चौसठ चौसठ माइनस दस चौसठ माइनस दस चौवन फिफ्टी फोर एक फोर भी डाल लेते हैं थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं क्या आ रहा है तो चार पे पावर चार डालेंगे तो दो सौ छप्पन माइनस बारह और एक तेरह दो सौ छप्पन माइनस तेरह तो टू फोर्टी uh, थ्री टू फोर थ्री हाँ टू फोर थ्री टू फोर थ्री और डॉट 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 आगे चला जाएगा ठीक है तो अभी यह एक्स मिला मेरे को

तो 27, उसके बाद छत्तीस उसके बाद पैंतालीस उसके बाद चौवन उसके बाद डॉट 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 आगे जाता जाएगा मतलब जहां तक लिखना है वहां तक लिख दो अब ध्यान से समझो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि ये नाइन का फर्स्ट मल्टीपल है नाइन इंटू वन ये नाइन का सिक्स मल्टीपल है नाइन इंटू सिक्स और ध्यान दो ये भी नाइन का ही मल्टीपल है नौ दुनिया अट्ठारह और छह तिरसठ सत्ताइसवा मल्टीपल एंड डॉट 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 तो मेरे को एक बात समझ में आई कि अच्छा यहां पे जितने भी नंबर आ रहे हैं ये भी नाइन के मल्टीपल हैं बट थोड़े आगे पीछे दूर दूर हैं ये भी सारे नाइन के मल्टीपल हैं बस रेगुलर हैं तो एक बात बताओ ज्यादा बड़ा सेट तुमको कौन सा दिख रहा है यहां पे नाइन का सारा मल्टीपल है यहां पे नाइन के ही मल्टीपल है बट कुछ कुछ मल्टीपल है कुछ कुछ बीच में से गायब है तो तुमको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि यार वाई तो इसका मतलब बड़ा सेट होगा मतलब ये सारे नाइन के मल्टीपल्स हो गए और इसमें से एक छोटा हिस्सा एक्स होगा ये वाई बाहर हो गया और ये छोटा हिस्सा एक्स क्योंकि x भी सारे नाइन के मल्टीपल है बट कुछ कुछ है बीच में से कुछ कुछ गायब भी है ऐसा ही है ना तो डायग्राम तो मेरे को ऐसा समझ में आया कि y बहुत बड़ा है उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है x का ठीक है हमसे पूछा है कि देन x यूनियन y क्या होगा x और y को अगर मिला दें तो टोटल एलिमेंट क्या होंगे विदाउट रिपीटिशन तो अगर x y के अंदर का ही हिस्सा है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है एक्स यूनियन वाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए सिंपल वाई आना चाहिए आना ना बिल्कुल भाई एक्स वाई के का हिस्सा है तो ये सिंपल निकल गया हाँ ये तब पता चला जब हमने एक्स और वाई बनाया अगर नहीं बनाते तो ये बिना वेन डायग्राम के समझ नहीं आता क्लियर है चलो भाई अगर ये क्लियर हो गया तो और आगे बढ़ते हैं ना मूविंग फॉरवर्ड ये हो और हाँ यहाँ पे ध्यान देना एक्स इज अबसेट ऑफ वाई एक्स इज अबसेट भाई एक्स निकला कहां से है? वाई से ही निकला है तो वाई से ही निकला तो जब भी एक्स विल बी अबसेट या कोई भी मतलब तो ये प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखो कभी भी अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए यूनियन तो भाई जब ये बी से ही निकला है ए तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आंसर वही जो बड़ा वाला सेट है वो आ जाएगा वही यहाँ पेट ऑफ वाई तो एक्स यूनियन वाई पे आंसर वही आ गया क्लियर है सबको कोई इश्यू नहीं डाउट नहीं चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन अब अब बात करते हैं इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है तो यार इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आ, जो दोनों में कॉमन हो जो दोनों में कॉमन होगा मतलब क्या कि जैसे मान लो ये है एक सेट आ, और ये है एक सेट ठीक है अब जो दोनों में कॉमन है मतलब दोनों के पास अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ठीक है तो अब से फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री और टू थ्री फोर तो दोनों के पास टू थ्री टू थ्री अवेलेबल है तो इसको हम कहते हैं ये वाले हिस्सों को हम इंटरसेक्शन कहते हैं और इंटरसेक्शन को दिखाने का तरीका जैसे मान लो ये ए है और ये बी है तो ए इंटरसेक्शन भी उल्टा यू दिखाते हैं देखो पहले हम लोग क्या दिखा रहे थे यूनियन में यूनियन में दिखा रहे थे ए और यू बी ए यू बी का मतलब यूनियन और ये यूनियन का मतलब होता था दोनों में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो अब इसी का एकदम उल्टा है क्योंकि यहां पे ए यूनियन बी में हम लोग टोटल ले रहे थे और ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है वो लेते हैं तो ये एकदम इसका उल्टा है तो इसे उल्टा साइन भी दिखाते हैं क्लियर अब अगर ये वाला बात समझ रहे हो तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि अच्छा ए इंटरसेक्शन बी ए होता है तो मैंने बताया था यूनियन बी लोग इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस करते हैं कॉमन एलिमेंट्स याद करो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था तो जब कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स को उस वक्त कॉमन एलिमेंट्स करके लिख रहे थे लेकिन अब उसका मैथमेटिकल नोटेशन पता है अपने को। जो भी कॉमन होता है उसको हम लिखाते हैं ए इंटरसेक्शन बी से तो अब आप लिखेंगे in माइनस नंबर तो और इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी होता है ये फॉर्मूला आपको ध्यान में भी रखना है क्योंकि इस पे सवाल बहुत सारे बनते हैं क्लियर बात चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पे भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्रॉपर्टीज एज एन कि जैसे मान लो हमारे को लिखा है ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है भाई ए बी में जो कॉमन है या बी ए में जो कॉमन है कॉमन तो सेम ही होगा फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो सेम चीज है फाइ का इंटरसेक्शन ए के साथ करें मतलब खाली में और ए में कॉमन क्या है तो खाली में मतलब हवा में और कमरे में कॉमन क्या है तो कमरे और हवा में दोनों में कॉमन हवा ही है मतलब खाली में और ए में कॉमन क्या है तो खालीपन ही होगा ठीक है यूनियन का और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा तो यूनियन का और ए का इंटरसेक्शन इसको ऐसे समझो डायग्राम से जैसे मान लो ये है यूनियन और इसमें एक ए है तो अगर हमसे कोई पूछे ए ए में A में और यूनियन में कॉमन कॉमन वाला पार्ट कौन सा तो कॉमन वाला पार्ट यही ए वाला पार्ट है क्योंकि ये ए वाला पार्ट तो यू का भी है तो इन दोनों में कॉमन हिस्सा तो यही वाला है तो इसलिए यूनियन और ए में इंटरसेक्शन करोगे तो वो आंसर ए ही आएगा ठीक है मूविंग फॉरवर्ड ए और ए में कॉमन क्या है तो ए और ए में कॉमन ए है ये ए और ए में यूनियन भी ए होता है और इंटरसेक्शन भी ए होता है तो भाई ए को ए के साथ जोड़ दिए तो भी ए आएगा दोनों में कॉमन निकाले तो भी ए आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो है ना ये बच्चा जनरली कंफ्यूज करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो तुम आठवीं कक्षा में पढ़े थे इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ देखो आठवीं कक्षा में तुमने क्या पढ़ा था याद है तुमने पढ़ा था एक्स इन Y plus Z, तो x into y plus Z को कैसे सॉल्व करते थे पहले x को y के साथ मल्टीप्लाई करते थे x इंटू वाई फिर बीच में प्लस का साइन डालते थे और फिर ये x मल्टीप्लाई होता था दूसरे वाले के साथ और ये होता था x इंटू जेड तो जो साइन यहाँ पे है वो दोनों के साथ होता था और जो बीच वाला साइन है वो बीच में आ जाता था ऐसा ही होता था अभी भी वैसा ही है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ तो ए इंटरसेक्शन बी फिर बीच में यू का साइन और उसके बाद ए का इंटरसेक्शन सी के साथ वो ए इंटरसेक्शन सी देख लो इंटरसेक्शन को अगर मल्टीप्लाई मानो और इसको प्लस मानो तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी तो ए सी ए बी प्लस ए सी बिल्कुल वैसा है इनफैक्ट हो सकता है कि आपको इसका पलट के भी पूछ दे या यूज करना पड़े सवाल में पूछता तो नहीं है सवाल में यूज करना पड़ता है मान लो तो, कहीं पे लिखा हुआ हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सेम प्रोसेस लेगा अगर मान लो लिखा रहता है ए यूनियन B इंटरसेक्शन C तो वही सेम प्रोसेस A यूनियन B इंटरसेक्शन यूनियन C क्लियर है तो ये बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई की तरह सेम प्रोसेस फॉलो करता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक सवाल करते हैं हैं अब यहां से सवाल इंटरेस्टिंग शुरू हो रहे हैं क्योंकि ये सारे है एक्स यूनियन वाई के पास 50 एलिमेंट्स है एक्स हैज 28 एलिमेंट्स एंड वाई है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है बताया था क्या बताया था एक्स यूनियन वाई में एक्स और वाई एड करते हैं और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटाते हैं तो ये ऐसे लिखो या इनफैक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं इसको लिखते हैं हमेशा एन के साथ है पर अब बार बार एन लिखो उतना थोड़ा सा टाइम बचा लिया जाता है कैलकुलेशन में तो इसलिए मैं जनरली एन छोड़ देता हूँ क्योंकि भाई अंडरस्टैंडेबल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है फिफ्टी एलिमेंट्स नंबर नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन इन एक्स दिया दिया हुआ है 28, दिया हुआ है वाई थर्टी टू और माइनस ये हमसे पूछा है तो ये नहीं पता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई अब सॉल्व कर दो जल्दी से तो अट्ठाईस और बत्तीस सिक्सटी आ रहा है इसको इधर भेजा फिफ्टी उधर भेजा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास आ रहा है टेन हो गया सॉल्व दोनों में कॉमन दस है अब अगर इसी सवाल को मेरे को वेन डायग्राम से सॉल्व करना होता है कैसे सॉल्व करता है बहुत सिंपल है देखो अब अगर नहीं वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करना होता तो मेरे को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना होता क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो आपको यही तरीका लगाना होगा वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कैसे करते है? तो अभी जैसे मान लो आपके पास ये है एक्स ये है है और आपको पता है, दोनों का कॉमन एक्स इंटरसेक्शन वाई दस पता है तो जो दोनों का कॉमन है वो दस है यहाँ पे अब एक्स टोटल आपका कितना है एक्स टोटल दिया हुआ है अट्ठाइस तो अट्ठाइस में दस तो यहां आ गया तो बचा हुआ अठारह इधर आएगा अठारह और दस अट्ठाईस एक्स हो गया और वैसे ही वाई के पास बत्तीस है तो दस यहां आ गया तो बचा हुआ बाईस यहां आएगा है ना? तो बाईस दस बत्तीस अब ध्यान से देखो अगर तुम निकालोगे तो तो मतलब ये तीनों का टोटल, तो एक्स में प्लस दस प्लस बाईस करो तो देखो टोटल आ रहा बाईस और अठारह चालीस चालीस दस तो यूनियन वाई और एक्स यूनियन वाई होता भी यही है यह कि भाई सबको ऐड कर दो सिंपल समझ हो तो वेन डाइग्राम रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी अब अगला सवाल अच्छा ये पहला वाला तो मैंने बता दिया अब इस पहले वाले की तरह अगर मान लो तीन आ जाए तो क्या करोगे तो अगर तीन आते हैं मतलब तीन इन द सेंस कि ऐसा एक ए है ये बी है और इस पे एक तीसरा सी है तो अगर ए बी और सी तीन वेन डायग्राम है या तीन एलिमेंट्स की बात की जा रही है और अब मेरे को तीनों का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो उस केस में हम ए बी और सी को तो ऐड करते हैं फिर ए बी सी को ऐड करके तुमको पता है ए और बी जब ऐड कर रहे थे तो इंटरसेक्शन माइनस करते हैं तो एक बार ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे फिर एक बार ए इंटरसेक्शन सी फिर एक बार बी इंटरसेक्शन सी पर जब ये तीन बार माइनस करते हैं ना तो बीच वाला ये जो पोर्शन है कौन सा पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो जाता मतलब ये बचता ही नहीं है यहाँ पे छेद हो जाएगा तो ऐसा ना हो क्योंकि यूनियन का तो मतलब ही ये होता है ना यूनियन का मतलब क्या है यूनियन का मतलब कि ये यहां से लेकर यहां ऐसा और ये पूरा पूरा ओवरऑल एक्सटर्नल बाउंड्री हम कैलकुलेट कर ले ऐसा मतलब होता है तो ये वाले पार्ट में इसका होना भी आवश्यक है तो इसीलिए फाइनली आएगा आखिरी में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से एड होता है तो ये अब फॉर्मूला तुम याद कर लो हालांकि इसका प्रूफ भी है लेकिन इसकी प्रूफ की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती ना कभी कोई पूछेगा ना तुमको उतना जानने की आवश्यकता है हाँ पर अगर फिर भी तुमको इंटरेस्ट है मान लो

पर ये वाला हिस्सा तो आपसे एक्स्ट्रा माइनस हुआ तो जब आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भैया इसका एक बार तो एक बार बार होना आवश्यक है समझ पाए क्या तो हेंस करके देखिएगा घर पर मजा आएगा क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं और अभी के लिए आप बस ये फॉर्मूला वैसे फॉर्मुले की ज्यादा यूज हम लोग करेंगे नहीं हम लोग वेन डायग्राम से ज्यादा अच्छे से इस सवाल को बनाएंगे अभी मैं दिखाता हूं आपको कैसे बनेगा पर फॉर्मुला ध्यान में रखना कि भैया ए यूनियन बी का तो सिंपल है बहुत कॉमन सेंस से लॉजिकल समझ में भी आ जाता है कि ए और बी एड किया और जो कॉमन था वो सब कर दिया यूनियन बी यूनियन सी में याद ये रखना है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन है प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो ध्यान से देखो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट तो इसको रियल लाइफ से कैसे समझ सकते हो रियल लाइफ में समझ सकते हो अगर आप शादीशुदा हैं हो क्या हो गए तो नहीं लेकिन अगर शादीशुदा हो तो आप समझ सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैन बी कॉल्ड एज अ वाइफ या फिर अगर आप छोटे हैं तो आप समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैन बी कॉल्ड एज अ छोटा भाई या छोटा बहन छोटा भाई छोटी बहन कैसे होते पता है जैसे तुम्हें तुम्हें अभी टीवी पे देखना है नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स उसको है नहीं मैं नहीं मैं देखूंगा 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 कुछ भी और Prime पर नेटफ्लिक्स नहीं देखना तुमने बोला अच्छा ठीक है एमेजोन प्राइम देखते हैं नहीं मेरे को अमेजॉन प्राइम देखना ही नहीं मेरे को सोनी लिव देखना है तो छोटा भाई छोटी बहन क्या होती है कि कुछ भी तुम बोलोगे उसका विपरीत ही बोलना है और वही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का ठीक है तो अगर आपने बोला कि भैया आपको नेटफ्लिक्स देखना है ये बोलेगा मेरे को कुछ भी दिखा दो बस नेटफ्लिक्स तो नहीं देखना बहुत बोर लगता है नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ऐसा वैसा नहीं देखना तो ए ए जो सेट है a का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए ए का का कॉम्प्लीमेंट मतलब ही होता है नॉट ए शादीशुदा लोग को रिलेट कर पाएंगे कि वाइफ का मतलब भी ऐसा ही होता है बट ठीक है जो सपाट बाद में देखेंगे अभी तो छोटा भाई बहन समझ सकते हैं ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब नॉट ए तो जो भी ए में होगा उसके अलावा

हमारा ए के अंदर क्या है एक दो तीन चार मतलब यहां पे तुम इसको ऐसे मानो कि ये है एक दो तीन चार और बाहर में बैठा है पांच छे तो एक दो तीन चार पांच छह हो गया या फिर पांच छे इधर लिख दो लिख दो, दो तुम्हारी इच्छा तो इस पूरे स्क्वायर डब्बे में क्या हो गया एक दो तीन चार पांच छे अब एक दो तीन चार का कोई मेरे को बोले कॉम्प्लीमेंट निकालो मतलब ए में जो एलिमेंट ना हो वो बताइए तो ए में जो एलिमेंट्स नहीं है वो क्या है वो पांच छे वो पांच छे कैसा पता चला कि नॉट ऑफ ए मतलब ए वाले हिस्से को काट दो और जो बचा वो ले लो समझ पाए तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आगे बढ़ते हैं अब ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट अगर मैं दो बार कर दूं तो वापस वही सेम आ जाएगा मतलब नॉट ऑफ नॉट ऑफ ए तो नॉट ऑफ नॉट ऑफ ए तो जाहिर सी बात है वो ए हो जाएगा ठीक है इसको जो ऐसे समझ सकते हो माइनस ऑफ माइनस ऑफ ए तो ये वापस ए आ जाएगा फिर ए का यूनियन कर दो ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ मतलब एक को और नॉट ऑफ एक को दोनों को मिला दो और बोलो दोनों को मिलाने के बाद टोटल क्या आएगा तो भाई दोनों को अगर मिला देंगे तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा तो अगर आप कभी भी एक को और ए के कॉम्प्लीमेंट को मिलाते हैं तो यूनिवर्सल आ जाता है बिल्कुल आ जाता है यूनिवर्सल और ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइव है मान लीजिए कोई दो सेट्स से हैं आपके पास ए और बी और दोनों के बीच में बिल्कुल प्रेम नहीं है कुछ भी कॉमन नहीं है जैसे कि छोटे भाई बहन होते हैं तो अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब यह होता है कि यहां पे दो चीजें समझ में आती है पहला तो इन दोनों सेट्स को कहते हैं डिसज्वाइंट सेट सेट मतलब बिल्कुल ही कुछ कॉमन नहीं है और दूसरा इसको एक और चीज लिखा जा सकता है कि अगर ये ए है और ये बी है तो इसका मतलब अगर इसको मैं यूनियन आ, यूनिवर्सल मानता हूं तो मैं लिख सकता हूं क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया जैसे बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ध्यान से देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि जो बी में नहीं है ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा कि देखो भैया ये जो येलो वाला लाइन मैंने बनाया है ये बी में नहीं है अब ये जो लाइनिंग वाले हिस्से है लाइनिंग वाला हिस्सा का एक छोटा सा पार्ट है ना ये ये जो येलो येलो वाला पार्ट है मतलब जो बी के बाहर वाला पार्ट है तो बी के बाहर तो ये पूरा पार्ट है बी के बाहर वाले पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है तो मैं लिख सकता हूं ऑफ बी के बाहर वाला पार्ट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट तो इसीलिए यहां यहां से लिखा जा सकता है तो तो अब बच्चा सोचेगा सर इसका मतलब तो फिर वाई से भी ट्रू होगा कि हम लिख सकते हैं B is a subset of a सही आप लिख सकते हैं बी इज अबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये भी ट्रू होगा तो ये मोटा मोटी मैं बताना क्या चाहता हूं कि यहां ना जैसे ही तुम डायग्राम में घुसते हो सेट के में, अब इससे ना तुम खेल पाओगे नाउ इट इट इज नो मोर अ थ्योरी थ्योरी थिंग या फिर फॉर्मूला फॉर्मुला थिंग जो आपको याद करना है क्योंकि ये याद करने वाली चीज नहीं है और ना ही ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट कभी पूछेगा एग्जाम में तो पता नहीं क्या पूछेगा पर जो भी पूछेगा वो आपको ऐसे ही डायग्राम से समझना पड़ेगा कि अच्छा ये कॉमन सेंस है क्या हाँ कॉमन सेंस है तो बहुत बढ़िया बल्ले बल्ले समझ पाए क्या चलो अगर ये समझ गया तो आगे बढ़ते हैं वैसे लिख के बताते हैं जरूर चलना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अब डिमोर्गन लॉ की बात करते हैं डिमोर्गन लॉ क्या है तो डिमोर्गन लॉ क्या है कि कॉम्प्लीमेंट का लॉ होता है ठीक मतलब है।, तो है, मतलब मतलब तो है तो यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पर जैसे ही टोटल ऊपर में कॉम्प्लीमेंट लगा मतलब किसी की नजर लगी नॉट वाला बोलने लगा ना बार बार भाइयों में लड़ाई होगी तो जैसे ही नजर लगती है ये बीच वाला साइन पलट जाता है हमेशा याद रखना अगर किसी ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो बीच में जो साइन होगा वो पलट जाएगा वैसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो होगा पर इसके बीच का जो इंटरसेक्शन है ये साइन पलट के यूनियन हो जाएगा तो बीच वाला साइन हमेशा पलट जाता है यही कहता है डिमोर्गन को समझ पाए और ध्यान दीजिएगा ये कॉम्प्लीमेंट को दिखाने का तरीका दूसरा भी होता है जैसे अगर ए यूनियन बी है तो मैं अगर कॉम्प्लीमेंट सी नहीं लिख रहा हूं तो उसको डैश भी लिख सकता हूं तो डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वैसे ही अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन बी का डैश है तो ये हो जाएगा A का यूनियन B का यूनियन तो यही सेम चीज है लॉ समझ गए यूनिवर्सल सेट दिया, A सेट दिया है बी सेट दिया है ठीक है और हमसे बोल रहा है फाइन कीजिएमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी पे का होल कॉम्प्लीमेंट तो देखो अगर निकालना चाहे फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं जैसे अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो ए में नहीं है तो ए में क्या है एक दो तीन चार तो यहां से एक दो तीन चार हटाओ तो पांच छह सात आठ नौ लिख दोगे सिंपल है तो वैसे करके सॉल्व कर लो मैं वो तरीका बताता हूं और दूसरा भी बता दूंगा तो एक तरीका, तरीका ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या लिखोगे यहाँ पे पांच छह सात आठ नौ जो ए में नहीं है तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं है दो चार छ आठ तो दो चार छ आठ को हटाओ तो सारे नंबर्स लिख दो एक तीन पांच सात नौ हो गया ये बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तुमको बताया था वो सेम ए हो जाता है तो ये सेम ए मतलब एक, दो, तीन, चार। लिख दिया और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट तो इसमें क्या होगा ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन पार्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन पार्ट है

कि ए यूनियन बी निकाल लो यहां से ए यूनियन बी निकाल लो तो अगर इन यहां से ए यूनियन बी निकालते हो जैसे देखो ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी क्या होगा एक दो तीन चार और दो चार छ आठ तो एक दो तीन चार पहले ले सकते हैं एक दो तीन चार और उसके बाद और छठ एक्स्ट्रा है छ और आठ एक्स्ट्रा है तो ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी में जो नहीं है तो एक दो तीन चार हटाओ पहले ए यूनियन बी में जो नहीं है वो वो करना है तो एक दो तीन चार हटाया हाँ हाँ तो हाँ और छ और आठ हटाया हाँ तो छे और आठ आता है बता क्या पांच सात नौ देखो हमारा भी आंसर पांच सात नौ आया है तो तुम चाहे ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट कर लो या डिमॉर्गन लॉ से उसका फॉर्मूला लगा के कर लो दोनों से आंसर सेम आएगा और ये बेसिकली एक प्रूफ भी है कि हाँ भैया डिमॉर्गन लॉ होल्ड ट्रू तो आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ए यूनियन बी का ऐसे आ गया फाइव सेवन नाइन और अदरवाइज आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन लिया उससे भी फाइव क्लियर है तो ये हमने सबका आंसर निकाल दिया अब इसी चीज को अगर वेन डायग्राम में दिखाना है वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे देखो उसको भी बताते हैं तो ये हो गया हमारा ए ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ध्यान से देखते चलो अब यहां पे अपने पास ए में क्या है एक दो तीन चार और बी में दो चार छः आठ तो कॉमन वाला जो पार्ट है वो है दो और चार देखो दो चार यहां पे भी है और दो चार यहां पे भी है तो बी का तो निकाल दिया कॉमन ए और बी का अब छ तो तो और आठ है, तो तो और और है तो बचा क्या फाइव सेवन नाइन तो ये फाइव सेवन और नाइन ये बाहर रहेंगे तो बाहर रख दिया मेरी बात समझ में आई अब यहां से भी तुम चाहो आंसर निकालना तो निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से कैसे यहां पे अगर मान लो तुमको बोला जा रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए मतलब जो ए में नहीं है तो ए में है क्या एक दो तीन चार ये है ए का डब्बा तो जो नहीं है वो क्या है छह आठ पांच सात नौ तो पांच छह सात आठ नौ तो यहां से निकल गया फिगर देख के भी दिख रहा है पांच छह सात आठ नौ हो रहा है और उसी तरीके से आप अगर बी और सी बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी में जो नहीं होना चाहिए तो ये बी का गोला है दो चार छ जो नहीं होना चाहिए वो वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन इसका आंसर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो ये तो ए होता है तो ए एक दो तीन चार और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए और बी में टोटल में है तो एक दो तीन चार छ आठ है जो नहीं है वो ये बाहर वाले पांच सात नौ तो ये से भी दिख रहा है पांच, नौ। समझ पाए तो आप डायग्राम से ही बना सकते हैं मैं बार बार डायग्राम के ऊपर बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे चलकर सवाल आएंगे जहां सबसे ज्यादा डायग्राम ही इस्तेमाल होना है ठीक है क्योंकि डायग्राम से सवाल बहुत आसान बनते हैं अभी आपको फील नहीं हो रहा है पर आगे जैसे ही दिखाऊंगा आप फील हो जाएगा चलो यहां तक सब समझ गए नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब ये अगला सवाल कहता है कि x एंड y आर टू सेट्स एंड x dash denotes complement of x Then, x x डिनोट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ठीक है देन इंटरसेक्शन यूनियन y का होल का डैश ठीक है तो अभी पहले इसमें दो चीजें लेंगी पहला तो डी डिमॉर्गन लॉ लगेगा क्योंकि होल पे डैश है और उसके बाद वो वाला फॉर्मुला लगेगा याद करो जो मैंने बताया था x इंटू वाई प्लस जेड वाला याद है बताया था कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई फिर ये इसके साथ और बीच में वो साइन तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x यूनियन y का डैश तो ये हो जाएगा x का डैश इंटरसेक्शन y का डैश क्योंकि दोनों पे डैश लग गया और बीच में इंटरसेक्शन लग गया ठीक है अभी तो ध्यान से ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे है x का इंटरसेक्शन तो x का इंटरसेक्शन इसके साथ x इंटरसेक्शन x का डैश फिर बीच में ये वाला साइन और फिर ये इसके साथ तो x का इंटरसेक्शन y के डैश के साथ सही है जैसा समझाया था एकदम वैसा ही है ये इसके साथ मल्टीप्लाई फिर ये इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई इन द सेंस इस साइन के साथ इंटरसेक्शन इसके साथ इंटरसेक्शन इसके साथ और बीच में जो साइन था वो बीच में आ गया यहाँ इतफाकन दोनों ही जगह इंटरसेक्शन है तो दोनों जगह इंटरसेक्शन चल रहा है अब एक बात बताओ एक्स का इंटरसेक्शन एक्स के डैश के साथ मतलब एक्स और नॉट एक्स में कॉमन क्या है तो जाहिर सी बात है भाई नॉट तो वही होता ही है जो एक्स में ना हो तो जो एक्स में है और जो नहीं है वो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है ठंड गोपाल फाइव तो फाइव और फाइव का इंटरसेक्शन फाइव का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी ले लो फाई का मतलब क्या होता है फाइव का मतलब बेसिकली होता है कि भाई कुछ भी नहीं खाली तो खाली में और कुछ है इसके पास जो भी है ए सेट है इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा तो कॉमन पार्ट खाली ही होगा याद करो ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर फाइ का इंटरसेक्शन होता है ए के साथ तो आंसर फाइ आएगा कि भैया फाइव में और ए में ए में और खाली में क्या कॉमन है तो खाली तो कॉमन ही रहता है मतलब फाई तो सबका हिस्सा रहता है तो दोनों में कॉमन क्या है फाइव तो अभी यहां पे एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश को हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है सीधा आंसर आएगा फाइव की फाइ के साथ इंटरसेक्शन किसी के साथ भी ले लो वो हमेशा फाइ देगा तो आंसर बिकम्स फाइव अब अगर आप ये समझ रहे थे प्रॉपर्टी समझ में आ रहा था डिमोर्गन स्लॉ एक बार में लगाए उल्टा करके तुरंत आंसर आ गया और अगर नहीं समझ तो फिर बहुत बो, लंबा टाइम लगता है फिर ये पता नहीं लोग बोलते हैं पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है समझ पा रहे हो तो इसको समझना जरूरी है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन हाँ जी अब अगला सवाल अगला सवाल कहता है नहीं सॉरी अगला प्रॉपर्टी है जो ऑपरेशन ऑन सेट्स पे ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है तो आप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को ना रियल लाइफ में ऐसे जोड़ सकते हो कि जैसे से प्रेका, प्रेका हुआ हुआ है? किसी का का? हुआ 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 होगा? है? है? नहीं बहुत सारे मनी मन सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता हमारी शादी हो गई चलो जोक्स अपार्ट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है इसको ऐसे समझते हैं मानिए एग्जाम्पल के तौर पर अब आप तो बच्चे हैं तो चलो ठीक है तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है अलग बात है स्कूल में तुमने कुछ और कर रखा होगा अलग मुद्दा है बट अभी तो सबके सामने शादी नहीं हुई तो कोई एक इंसान है उसकी शादी हुई बहुत फेमस बढ़िया आदमी है पैसे वाला आदमी है तो खूब सारा इसके पास पैसा है रुपया रुपया खूब सारा रुपया ठीक है अब ये फेमस आदमी है अब ये फेमस इंसान का शादी हुआ तो इस फेमस इंसान की शादी हुई और शादी जिस बंदी से हुई वो भी ठीक ठाक फेमस थी उसके पास भी पैसा था लेकिन उसके पास कम पैसा था ठीक है अब कुछ टाइम के बाद वो वो क्या हुआ कि उसकी शादी हुई लेकिन शादी में कुछ खलबल खलबल होने लगी तो कुछ टाइम के बाद वो बोली कि अब मेरे को तलाक थी अब आई नीड डाइवोर्स तो वो डाइवोर्स ली और बोली कि अब मैं तुम्हारा सेवेंटी परसेंट हिस्सा ले लूंगी बेचारे को धक से लगा दर्द हुआ लेकिन क्या कर सकते हैं भारतीय कानून उसने बोला देना पड़ेगा तो दे दो तो वो क्या की कि जब वो गई डाइवोर्स हुआ तो डाइवोर्स हुआ तो ये बेचारा तो टूट सा गया अब देखो कोई किसी और कहानी से कोरिलेट नहीं करेगा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ ये बस इतफाकन एक आ, क्या कहते हैं ना ये कहानी काल्पनिक है इसका किसी भी वास्तविक इंसान से कोई संबंध होना महज एक संयोग है ठीक है दिस इज जस्ट अ को तो अब अगर ये निकलेगी तो ये निकलेगी तो कैसे निकलेगी अपना हिस्सा लेकर तो अपना हिस्सा लेकर निकलेगी तो इस भाई के पास कौन सा हिस्सा बचा इस भाई के पास बस ऐसा हिस्सा बचा टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ भाई बस इतना ही बचा तो इसे ही कहते हैं जब जाती है है या जाता है जो भी है, तो जब बी जाती है तो अपना हिस्सा लेकर जाती है और अपना हिस्सा अगर लेकर गई तो बचा क्या बस ए माइनस बी क्योंकि ए में से बी माइनस हो चुकी है तो जैसे ही माइनस का मतलब समझना है तो माइनस का सिंपल मतलब कि जो भी माइनस हो रहा है वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा अपना हिस्सा लेकर गया तो जो भी कॉमन पार्ट था वो कॉमन पार्ट में से उसने अपना हिस्सा साइड कर लिया ये कहते हुए कि भैया ये कॉमन पार्ट जो है ना ये मेरी वजह से भी बना है तो इसलिए मेरे को भी हिस्सा चाहिए मेरे को हिस्सा चाहिए तो लेके गई तो भाई अब बचा ये अब ये बचा तो दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी अब यहां पे बच्चे का हो सकता है कोई सोच रहा होगा कोमल मन जरूर सोचेगा सोचेगा अच्छा सर अगर हम डाइवोर्स ले लिए तो तो क्या हम भी अपना हिस्सा लेके जा सकते हैं तो देखो अब कानून में क्या होता है वो मुझे नहीं पता पर मैथमेटिक्स में होता है सबके लिए बराबर मतलब अगर ये है फेमस कोई इंसान जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अच्छा क्रिकेटर है बढ़िया अब चलो ठीक है क्रिकेटर की क्यों बात कर रहे हैं कोई और इंसान है इसके पास पैसा खूब पैसा खूब पैसा खूब पैसा, पैसा और 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 इसके पास भी पैसा अब ये ये इसके पास थोड़ा कम पैसा मान लेते हैं अब अगर ये निकलता है माइनस होता है तो लेकिन ये ए है ये बी है पर अगर ये निकलता है तो इस बार मैं लिखूंगा बी माइनस ए ए ना कि माइनस क्योंकि निकलने वाला कौन पार्टी है वो माइनस हो रहा है तो अगर ए माइनस हो रहा है तो ए अपना हिस्सा लेकर निकलेगा और तब बी ऐसा बचेगी सॉरी मेरे डायग्राम को थोड़ा सा यू you नो know, ये बेचारा दो दिन से खाया नहीं है चपटा सा हो गया आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना उल्टे हाथ से बना रहा हूं ना तो अब बी के पास ये बचा बस खाली रुपया एंड दिस इज योर बी माइनस ए बाकी लेके चला गया बेचारा बेचारा नहीं जो भी था समझ पाए तो हमेशा याद रखिएगा ए माइनस बी या बी माइनस ए में जो भी माइनस हो रहा है वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा और जो बच गया वो उसका बच गया समझ पाए तो जो पहले वाले होता है पहला वाला होता है ए माइनस बी में ए पहला वाला है तो ए का हिस्सा बचेगा बी माइनस ए में बी पहला वाला तो बी का बचेगा बाकी ए लेके निकल गया ठीक है तो इसको वेन डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हैं जैसे मैंने दिखाया और समझने के लिए तो समझ ही गया होगा चलिए जी तो अब एक सवाल करते हैं बढ़िया सा सवाल सवाल में है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया ए है ये बी है ये सी है ये बहुत बढ़िया अब हमसे बोला जा रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी को ए में से निकालो तो बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लो दो तीन पांच छ तीन और छह तो मेरे को कॉमन जो दिख रहा है वो तीन और छ दिख रहा है तीन और छे तो तीन और छह कॉमन है तो तीन और छ इंटरसेक्शन सी में कॉमन है इसको ए से निकालना है तो ए में है कितना ए में तीन और छ में से सिर्फ तीन है तो याद करो मैंने बताया था जो भी दोनों के बीच में कॉमन होगा वही निकलेगा ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो यहां पे देख लो यहां पे एक वेन डायग्राम से दिखाता हूं जैसे ये ए है ठीक है तो ए में है एक दो तीन चार और ये मान लो बी इंटरसेक्शन सी है से फॉर एग्जाम्पल तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या था तीन और तो तीन और और यहां पे है एक दो और चार तो एक बात बताओ जब बी इंटरसेक्शन सी का माइनस होगा ये है ऐसा तो, तो, तो नहीं कि एक दो चार भी खींच लेगा नहीं, वो बस तीन और कॉमन था, ले था वो लेके गया तो तीन और छह में तीन ही कॉमन दिख रहा है तो सिर्फ तीन निकलेगा एक दो चार रहेगा पर यहां पे एक तीन चार लिख रहा है तो ये गलत है जवाब सही नहीं है. अब ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी अपने को पता है, तीन और छे होता है तो तीन और अगर गया तीन निकलेगा तो एक दो चार बचेगा ये बिल्कुल सही आंसर है सही है समझ में आ गया तो बस ऐसे ही बन जाएगा तीन और छह ए में से तीन और हटाओ तो तीन ही हट सकता है छे तो है ही नहीं इसमें तो तीन हटा दिया एक दो चार सिंपल क्लियर है सबको पक्का चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगर ये सब क्लियर है तो उत्तरी ये आखिरी वाला ऑप्शन मैंने चेक नहीं किया लगता है ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे एक बार देख लेते हैं बी यूनियन सी तो बी यूनियन सी में देख रहा है दो तीन पांच छ तीन चार तो तीन और कॉमन है तो दो तीन चार पांच ऐसा हाँ। ही हो रहा है क्या? दो तीन चार पांच छह सात ठीक है तो अब अगर दो तीन चार पांच छह सात निकलना है दो तीन चार पांच छ सात इसका निकलना है किसमें से तो इनमें से इन दोनों में कॉमन क्या है तो दो और तीन और चार तो दो तीन चार पूरा निकल जाएगा क्योंकि दो तीन चार इसमें है तो बी यूनियन अच्छा बी यूनियन से यहां पे था हाँ तो दो तीन चार निकल गया तो अगर दो तीन चार निकल गया तो बचा क्या है? वन तो अगर वन दो इसमें से दो तीन चार निकाल दिए दो तीन चार पांच छह सात तो था ही नहीं तो सिर्फ वन ही बचेगा हाँ सही बात है तो आंसर इज डी ऑल्सो तो ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे मतलब क्योंकि ये जेई एडवांस में ऐसा आता है आपको बता दो पैटर्न के तौर पर जेई मेन्स में तो सिंगल करेक्ट आता है पर जेई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं कि भैया एक सवाल है चार ऑप्शन है हो सकता है एक से ज्यादा सही हो दो हो सकता है तीन हो सकता है चार भी हो सकता है तो ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं और बच्चों को वहां चेक करना होता है पर एडवांस में होता है जो ही मेंस में चलो यहां तक समझ नॉर्वर्ड आगे बढ़ते हैं नाउ मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ जाओ भाई अरे अरे ये क्या हो गया अच्छा ये है सवाल सॉरी हाँ तो अब ये सवाल कहाँ का है ये सेट्स का सवाल है तत्व से तो तत्व वो मटेरियल है जो हम वेदांतों में जिससे सब कुछ पढ़ाते हैं इनफैक्ट ये पूरा सेशन आपका तत्व से बना है तो तत्व का ये सवाल है तत्व का ये सवाल क्या कहता है कहता है सवाल कि इफ ए ए के अंदर है एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह एक तीन पांच सात नौ ये सारे वार्ड नंबर टिल बी में डॉट 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 तक है ठीक है एंड एन इज द यूनिवर्सल सेट ठीक है देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो, तो काफी सारा हो गया तो समझते हैं पहले सॉल्व करते हैं धीरे धीरे एक एक करके तो पहले तो सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो ध्यान दो यहां पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स इंटू वाई प्लस जेड तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई और बीच में ये यूनियन का साइन तो पहले करो बी का ए के साथ तो ए और ये मल्टी इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर बीच में यूनियन लग जाएगा ये वाला और फिर ये दोनों तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये तो फाइ होता है ये तो पता ही है तो अगर ये फाइव हो गया मतलब कुछ भी नहीं है खाली है और इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो इसका यूनियन करना है, तो मतलब टोटल मतलब तो, तो, तो कुछ होता ही नहीं तो जो इसका होगा वही होगा तो ये दोनों का फाइनल आंसर तो आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो ये पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया अब इसका ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन है ऐसा ही है तो अब इन दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए फिर ध्यान से देखो अब एक बात बताओ ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन तो याद करो मैं बताया था कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट है इसमें है, तो ये ए होगा और बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट अगर इन दोनों को मिला दें तो टोटल यूनिवर्सल सेट नहीं बन जाएगा बिल्कुल बनेगा तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट और ए को मिला दें तो टोटल क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट सेट अब यूनिवर्सल में इंटरसेक्शन ले लें इस ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का तो एक बात बताओ यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन जिस भी सेट के साथ लेते तो हो जैसे मान लो अगर कोई बोले कि यहां पे यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो तो यूनिवर्सल और ए में कॉमन क्या है तो जाहिर सी बात है ए कॉमन है ये बताया था ना थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी तो यूनिवर्सल में और इस सेट में कॉमन क्या है तो जाहिर सी बात है यही कॉमन होगा क्योंकि यूनिवर्सल में और कोई सी भी सेट में वो सेट ही कॉमन होता है तो आंसर क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो आंसर क्या आया ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी अब ध्यान से देखो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं तो अभी इसको और सॉल्व करना है इसका मतलब तो अभी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को देखो डी डीमॉर्गन लॉ के रिवर्स से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे बटेगा और बीच का साइन को रिवर्स करता है ऐसा ही होता है नागन डिमॉर्गन लॉ तो लॉ के हिसाब से इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया समझ पा रहे हो अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जैसे ही किया तो क्या आएगा जरा ध्यान से समझना अब एक बात बताओ वैसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो पहले तो क्या आएगा नहीं आएगा वो देखने के पहले मेरे को ध्यान में है कि यार ए में और बी में कुछ भी कॉमन था नहीं क्योंकि मैंने देखा था ये सारे ऑड नंबर का सेट था ये सारे इवन नंबर का सेट था यह तो अपने पहले ही देख लिया था तो अगर ये जैसे ही मैंने देखा मैंने देखा अरे यार इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं है नहीं है ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ रहा फाइव फाइव आ रहा था तो भाई इन दोनों में जब कॉमन ही कुछ नहीं है ये फाइव आ गया तो हमारे पास क्या है फाइ का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाइव का मतलब होता है एम्प्टी और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट और फाइव का मतलब होता है एम तो नॉट एम ऐसे ही मतलब हो ना खाली नहीं होना चाहिए खाली नहीं नॉट एम मतलब पूरा भरा हुआ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट और यहां का यूनिवर्सल सेट क्या है एन इज द यूनिवर्सल सेट देखो थोड़ा लंबा था थोड़ा पेचीदा था पर तत्व के जो सवाल होते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं तो तत्व हम लोग एकदम बच्चों से जब जब बच्चों को सब कुछ पढ़ा देते हैं तब तत्व सॉल्व करवाते हैं ठीक है तो तत्व का सवाल काफी अच्छे लेवल का था और अच्छे लेवल का होता है तो इसलिए ये भी अच्छा लेवल का ही होना था मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ मैंने क्या बताया तो मैंने क्या बताया मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तो यहाँ का आंसर क्या है यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट क्या होता है एंड नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर आ गया अब मैं दोबारा बता देता हूं एक बार वापस से सुन लेना हमने क्या किया कि हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है काफी पेचीदा था तो हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का डिसाइड किया क्योंकि यही ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट था ठीक है तो इसको उठाया तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दिया कौन सा फॉर्मूला जो फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर x है इंटू वाई प्लस जेड है तो आपका x इंटू वाई बनेगा पहला और प्लस बीच में आइए आ गया और फिर ये x इंटू जेड हो जाएगा ये बताया था वही सेम किया ये x प्लस वाई मानो और इंटू जेड मानो तो जेड इंटू होगा पहले इसके साथ तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फिर बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों के बीच में ये वाला साइन आ जाएगा ठीक है 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 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई होता है. ये मैंने भी, पहले भी है पढ़ाया भी है और फॉर्मुला भी दिखाया है क्योंकि तो बी और नॉट बी के बीच में कॉमन क्या होगा कुछ नहीं कॉमन आता तो फाइ आता है ठीक तो है थीके? अब किसी भी सेट का यूनियन उस फाई के साथ करो मतलब फाइ मतलब कुछ भी नहीं के साथ तो कुछ भी नहीं के साथ जोड़ोगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा तो वही सेम आंसर आ गया

उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए तो ये वेन डायग्राम से भी हमने देखा समझा कॉमन सेंस ये यूनियन सॉरी यूनिवर्सल होता है नॉट ए एंड ए ए दोनों को मिला दो अगर नॉट और ए को मिला दोगे तो टोटल यूनिवर्सल आ जाएगा इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अब उसके बाद हमने ये देखा कि यूनिवर्सल सेट में किसी का भी इंटरसेक्शन करें तो हमेशा वो सेट ही आंसर आता है क्योंकि अब जैसे यहां पे देखो यूनिवर्सल में यूनिवर्सल और ए के बीच में इंटरसेक्शन करें तो पूछे इसका मतलब यही होता है ना यूनिवर्सल में और ए में कॉमन क्या है तो यूनिवर्सल और ए में कॉमन तो हमेशा ए ही रहेगा तो यूनिवर्सल कॉमन ए इज आंसर ए तो यूनिवर्सल का कॉमन जिसके साथ भी निकालोगे हमेशा वही आंसर आएगा मतलब ये पूरे लाइन का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है अब इसके बाद मैंने क्या लगा दिया डी मॉर्गन लॉ डी मगन तो डी मॉर्गन क्या कहता था कि भैया साइन पलट देता है कॉम्प्लीमेंट अगर होल पे होता है तो साइन पलट देता है तो मैंने अगर होल पे लिया तो इसका साइन पलट के यूनियन पलट के इंटरसेक्शन डालूंगा तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बी का साइन रिवर्स तो यही चीज डी में थी हमने लिख दिया अब ए इंटरसेक्शन बी मैंने यहां से देखा ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये ऑड ऑड नंबर नंबर है है वो इवन है, और और इवन और के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फाइव है तो फाइव डाला फाइव का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट फाइव फाइव मतलब नॉट नॉट मतलब पूरा भरा हुआ तो यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर समझ पाए तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था इसको ध्यान से देखे, आ, मतलब ध्यान से से मतलब समझिएगा जरूर अभी भी नहीं समझ में आया तो ठीक है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसको बस आप ध्यान में रखिएगा ठीक है अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स में एक आखिरी का जो बच रहा है वो है सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा कैसा सेंसिबल साइवोर्स ऐसा है, मतलब भाई कि मान लो कोई बड़ा आदमी है बहुत अरब पति है अरब पति इसके पास भी खूब पैसा और ये जिसके साथ शादी किया वो भी अरब पति वो अरब पति नहीं अरब पत्नी जो जो भी कह लो पता नहीं क्या कहते हैं उसको दोनों के पास खूब पैसा है अब दोनों शादी हुआ दोनों शादी हुआ, हुआ तो भाई दोनों ने मिलकर भी खूब पैसा कमाया साथ साथ तो जो दोनों के बीच में कॉमन था जब इनकी शादी टूटी मतलब ये इधर गई और ये इधर गई तो इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि भैया हमारे बीच में जो कॉमन वाला था जो भी कॉमन पार्ट था वो ना मैं लूंगा ना तुम लूंगी तो ठीक है अब हो सकता है किसी चैरिटी को दे दिया हो पता नहीं। तो, cause, मतलब, को हम दिखाते हैं ए डेल्टा बी और ए डेल्टा बी का मतलब ये होता है कि ए में से बी माइनस हुआ तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है ए में से बी चली गई तो ए वाला पार्ट छोड़ के जाएगी तो ए माइनस बी और इस ए माइनस बी में जोड़ दो बी माइनस ए मतलब अगर बी के जाती है A को मतलब सॉरी ए छोड़ के जाता है बी को तो बी माइनस ए ये वाला पार्ट तो इन दोनों हिस्सों को अगर मैं साथ में रखूँ जोड़ दूँ तो दैट इज कॉल्ड एज ए डेल्टा बी या सिमेट्रिक डिफरेंस ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इस्तेमाल इसका होता है क्लियर है तो ए डेल्टा b आ गया बस इसको थ्योरी के तौर पर याद रखिए अब अब बात करते हैं कार्डिनेलिटी बेस्ड प्रॉब्लम तो ये होता है का सबसे फेवरेट टॉपिक और यहां से अब आपकी थ्योरी यहां तक पूरी कंप्लीट हो गई ये लास्ट सेट ऑफ थ्योरी था जो आपको पढ़ना था सेट्स uh, में में सेट थ्योरी थ्योरी अब इससे ज्यादा आगे कोई नहीं अब इसके बाद आता है सिर्फ सवाल क्वेश्चन और क्वेश्चन सबसे ज्यादा कार्डिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम से आता है जेडबल ठीक है जेडबल का यह फेवरेट है तो चलिए देखते हैं कार्डिनालिटी बेस्ड प्रॉब्लम क्या है तो कार्डिनालिटी बेस्ड प्रॉब्लम में जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर ए यूनियन बी होगा तो ए यूनियन बी का मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू ये A हो गया एक्स टू प्लस एक्स थ्री बी हो गया और ए यूनियन बी का मतलब X1 प्लस X2 प्लस X3. अगर ए इंटरसेक्शन तो एक्स टू तो अब मेजोरिटी प्रॉब्लम हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व होगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह सवाल अब ये सवाल में क्या कह रहा है सवाल में है एक स्कूल है एवरी टीचर टीचर्स इधर मैथ्स और फिजिक्स इफ फिफ्टीन टीच मैथी फोर टीच फिजिक्स वाइन सिक्स टीच बोथ

तो 18 प्लस छह चौबीस चौबीस और 9 चौबीस और 9 तैंतीस तो टोटल टीचर्स कितने हुए 33 ये अगर आप आपसे शब्दों में पूछा था डायग्राम से बहुत आज, आराम से आंसर आ गया अगर तुम डायग्राम से नहीं निकालना चाहते तो तुम यही लिखते कि नंबर ऑफ टोटल टीचर जो पूछा है तो नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स पूछा है आपसे फिर आप ऐसा लिखते फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स क्लियर है तो उससे भी वही सेम नंबर आता अब द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स ओनली सिर्फ फिजिक्स जो पढ़ाते हैं फिजिक्स मैथ्स दोनों नहीं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले तो ये दिख रहा है साफ साफ सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले अठारह हैं तो एक बार तुमने जैसे ही डायग्राम बनाया सारे क्वेश्चन झट 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 बनने शुरू होते हैं बहुत आसानी से तो ये इतने आसानी से आ गया कुछ लिखना भी नहीं पड़ा बस दो गोले हमने बनाए और इतना सारा सवाल आसानी से हो गया अभी मैं जेई के प्रॉब्लम भी तुमको दिखाऊंगा इनफैक्ट ऐसे ही सवाल जेई में आते हैं तो तुमको लगेगा जेई के सवाल भी बहुत आसान है देखो आगे बढ़ते हैं तो थर्टी थ्री टोटल टीचर्स

फिजिक्स और मैथ का इंटरसेक्शन पूछा होगा तो अगर फिजिक्स और मैथ्स का इंटरसेक्शन पूछा है हमेशा याद रखिएगा जब भी इंटरसेक्शन पूछे और वो दिया हुआ नहीं हो तो जनरली हम डायग्राम को अवॉइड करते हैं क्योंकि डायग्राम वाले सवाल तभी बन पाएंगे जब आपका बोथ वाला वैल्यू क्वांटिटी दिया हुआ अदरवाइज मुश्किल होगा बन तो ऐसे इससे भी जाएगा लेकिन थोड़ा समझना पेचीदा होगा तो मैं मैं तुमको फॉर्मुले से पहले समझाता हूं तो यहां पे अगर नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स अब ये वाला समझाता हूं अभी होगा क्या बट फॉर्मूला तो ये होता है नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स दोनों में जो कॉमन है तो हमसे पूछा है बोथ तो बोथ तो का उल्टा जो होता है वो ये होता है फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स एक बात बताओ क्लास में सिक्सटी परसेंट फिजिक्स फिफ्टी एट परसेंट पास मैथमेटिक्स तो टोटल पास परसेंटेज क्या होगा तो टोटल पास परसेंटेज या टोटल परसेंटेज तो हमेशा सौ ही होता है सौ के ऊपर परसेंटेज तो जाता ही नहीं है और यूनियन का मतलब ही होता है टोटल। तो अगर फिजिक्स समझना पड़ेगा तो अब इस ये कॉमन सेंस से जैसे ही तुम समझे अब सवाल बन जाएगा ये सौ है माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ ये पूछा आपसे इसको इधर ले आओ नंबर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 60 इसको उधर ले जाके ये आंसर आ गया 18% तो हेंस दिस इज द आंसर सबको समझ में आया क्लियर है तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया ठीक है चल भाई आगे बढ़ते हैं तो 18 इज द आंसर बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अब ये सवाल कहता है इन अ टाउन ऑफ 8 840% 450 या रीड्स हिंदी ठीक है तो

तो ये यूनियन नहीं दिया भाई ये गल, गलत हो गया गलत इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आखिरी लाइन पढ़ा नहीं था तो ये ये यूनियन क्यों नहीं दिया ये अभी बताते हैं ध्यान से देखो समझो अब जैसे हमारे पास ये सारा डेटा दिया हुआ है इससे पहले डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाया ये हिंदी का डायग्राम ये इंग्लिश का डायग्राम ये है हिंदी पढ़ने वाले ये इंग्लिश पढ़ने वाले ठीक है अब हमारे को बोल रहा है 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं तो दोनों पढ़ने वाले इधर आ गए 200 अब हिंदी पढ़ने वाले टोटल कितने थे तो साढ़े चार सौ थे फोर फिफ्टी रीड हिंदी इस फोर फिफ्टी में दो सौ इधर बैठा है तो बचा हुआ टू फिफ्टी इधर बैठेगा टू फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड फोर फिफ्टी हो गया हिंदी का गोला अब वैसे ही इंग्लिश पढ़ने वाले तीन सौ कितने तीन सौ इंग्लिश वाले तो दो सौ इधर बैठे हैं हंड्रेड इधर आ गए हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड हो गया इंग्लिश अब मेरे को ये बताओ टोटल लोग पढ़ते कितने हैं चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश तो ढाई सौ प्लस दो सौ साढ़े चार सौ साढ़े चार सौ प्लस सौ साढ़े पांच सौ फाइव फिफ्टी पीपल टोटल पढ़ते हैं अब शहर में लोग कितने हैं एट फोर्टी तो जाहिर सी बात है साढ़े पांच सौ लोग पढ़ रहे हैं तो बचे हुए लोग नहीं पढ़ रहे हैं तभी ना तो इसका मतलब यूनियन का सेट बड़ा हो गया और इस बार यूनियन का सेट बड़ा हुआ तो अंदर फाइव फिफ्टी है तो बाहर कितना बैठेगा तो पांच सौ चालीस तीन सौ दो सौ नब्बे हो गया टू नाइनटी बाहर हो गई अब दे, अब सबको एड कर लो तो देखना टोटल एट फोर्टी आ रहा होगा टोटल एट फोर्टी का यूनिवर्सल सेट बन गया एट फोर्टी परसेंट इन टाउन तो ये मान ले रहे हैं टाउन का डब्बा है और इस टाउन के डब्बे में हिंदी पढ़ने वाले साढ़े चार सौ इंग्लिश पढ़ने वाले तीन सौ तो टोटल से आप समझ सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं बस सिंपल सा नंबर खेलना है नंबर के साथ खेलना है इधर से उधर उधर से इधर एक सिंपल सा गेम जैसा महसूस होगा क्लियर तो आ गया आंसर एंड हमसे क्या पूछा था नंबर ऑफ हु रीड नीदर कुछ कुछ भी नहीं नहीं पढ़ते पढ़ते हैं या हैं या ऐसा मान लो तो ये लोग हैं जो दो सौ दो सौ आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हाँ जी अब, सवाल, अब आते हैं तीन, वाले पे. तीन वाला है हाँ ना हा तीन, हाँ तीन वाला है अब ये तीन वाले को देखो जरा मजा आएगा इन क्लास ऑफ टू हंड्रेड स्टूडेंट ठीक है तो पैथिस वाल, पैथिस बच्चा में फेल किया चालीस बच्चा में में फेल किया। बच्चा में फेल किया, किया, बच्चा इन एमएसटी सी टी एन आई आई टी अच्छा 17 इन एंड फाइव फेल्ड इन ऑल थ्री एग्जामिनेशन पांच ऐसे बच्चे हैं जो सारे एग्जाम फेल कर गए तीनों ठीक है तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फलाना डिमकाना तो पहले इसको समझो बनेगा कैसे तो तीन है मतलब तीन गोले बनेंगे तो एक गोला ये दूसरा गोला ये और तीसरा गोला ये अब सबसे पहला हम किसको बना दें तो पहला है एम एच टी सी टी एम एच टी सी टी दूसरा गोला किसका है भैया दूसरा गोला है ए आई ई का ए आई ई तीसरा गोला किसका है तो तीसरा गोला है आई आई टी आई आई टी सबसे नीचे सबसे हम्बल चलो बहुत बढ़िया अब ध्यान से देखो अब आखिरी लाइन से हम जाएंगे तीन इतना सारा डेटा है तो आखिरी लाइन से जाना बुद्धिमानी है फाइव मतलब तो तीनों में मतलब वो वाला हिस्सा होगा five, जो तीनों में कॉमन तो वाला हिस्सा यही है ना एकदम बीचों बीच वाला तो यहां की वैल्यू बनेगी फाइव बन गई फाइव अच्छा उसके बाद अब पीछे से चलो अब कह रहा है, है मिला के जो दोनों का कॉमन एरिया है वो फिफ्टीन होना चाहिए

इस कॉमन एरिया में कितना आना चाहिए? यहां बैठा है तो बचा हुआ है वाले एरिया में. अब ये कॉमन वाला एरिया ये लंबा वाला इसमें पांच यहां आ चुका है तो बचा हुआ पंद्रह यहां आएगा तभी तो पंद्रह और पांच बीस होंगे तो हो गया पंद्रह और पांच बीस अब इसके बाद जो वैल्यूज है

अब उसके और पहले चलें तो बाद एमएसटी सी टी में, तो तो हाँ तो में कितना था एमएसटी सी टी में बोला थर्टी फाइव तो पंद्रह और पांच बीस बीस और दस तीस थर्टी तो बचा हुआ पांच इधर आएगा पांच और टोटल थर्टी थर्टी फाइव हो गया थर्टी फाइव क्लियर अब ये जैसे ही समझ गए अब एक बार इस सबको जोड़ दो देखो कितने के बराबर आ रहा है तो पांच और पंद्रह बीस बीस और आठ अट्ठाइस अट्ठाईस और बारह अट्ठाईस और बारह अट्ठाईस और बारह चालीस चालीस और तेरह चालीस और तेरह फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री एंड टेन फिफ्टी थ्री एंड टेन सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री एंड फाइव सिक्सटी थ्री एंड फाइव सिक्सटी एट तो अच्छा ये टोटल जो इन वाला है सिक्सटी एट है मतलब सिक्सटी एट बच्चा टोटल फेल हुआ है चाहे एक में चाहे दो में चाहे तीन में सिक्सटी एट बच्चा यूनिक है मतलब अगर मुझसे या यूनिक पूछो फील्ड पूछो या फिर मेरे से पूछ लो कि एम एच टी सी टी यूनियन ए आई ट्रिपल ई यूनियन आई आई टी तो ये तीनों का यूनियन सिक्सटी एट अब ध्यान देना हमारे पास टोटल बच्चा कितना था दो सौ तो इसका मतलब अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊँ तो इस यूनिवर्सल सेट में सिक्सटी एट बच्चा अंदर बैठा है इसका मतलब बाकी बाहर बैठा होगा तो सिक्सटी एट दो सौ में से सिक्सटी एट हटाओगे तो कितना आएगा एक सौ बत्तीस मतलब वन थर्टी टू ऐसा बच्चा है जो पास्ड है समझ पाए 132 बच्चा बाहर बैठा है, जो पास किया हुआ है तो ये अंदर वाला फेल वाला है तो, बाहर वाला फेल है, फेल में मतलब है। तो बच्चा गया क्योंकि सर्कल में नहीं बैठा हुआ है और फेल्ड इन ए आई ट्रिपल ई या फिर आई आई टी तो ए आई ट्रिपल ई या फिर आई आई टी मतलब ए आई ट्रिपल ई और आई आई टी वाले गोले को जोड़ दो तो इन दोनों गोले को जोड़ने जोड़ने कर इंडिविजुअल जोड़कर निकालोगे उससे बेहतर ये है कि देखो इन दोनों गोलों में जो भी नंबर आ रहे हैं उसमें बस ये फाइव ऐसा है जो ना ए आई ट्रिपल में है ना आई आई टी में है ना तो अगर इन दोनों गोले को जोड़ोगे इसका मतलब में से माइनस कर तो में से माइनस करोगे मतलब आंसर इज सिक्स क्लियर है कि ये ए आई ट्रिपल ई का गोला और ये आई आई टी का गोला ये दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो टोटल जो हमने पहले जोड़ा था 68 उसमें बस ये फाइव ही तो नहीं है फाइव को हटा दिया बाकी सब जुड़ा हुआ है ऑलरेडी तो आंसर इज सिक्सटी देखो कितने आसानी से यह इतना बड़ा सवाल हो गया अदरवाइज इसको सॉल्व करने बैठते तो देखो कितनी लंबी जान लगती किताबों में ऐसे ही सॉल्व करता है या फिर जो जनरल बच्चा नॉर्मल बच्चा होता है जो नहीं जानता है तरीका वो ऐसे सॉल्व करता है तो ये हो गया टोटल 68. अगर आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर रहे हो बहुत आसानी से हो जाएगा ठीक है चल भाई अब एक और सवाल है ऐसा ही तीन वाला देखते हैं कौन कौन बना पाता है चलो भाई इन अ क्लास एवरी स्टूडेंट प्लेज इधर क्रिकेट और हॉकी और बैडमिंटन तो यहां तीन चीज की बन रही है क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन मैं पहले ही बना लेता हूं क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन ठीक तो है बना लिया भाई तो अब 10 प्ले क्रिकेट 15 प्ले हॉकी 20 प्ले बैडमिंटन 5 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी 2 प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन एंड 5 प्ले बैडमिंटन एंड एंड क्रिकेट 2 प्ले ऑल द गेम्स तो ये लास्ट वाला लाइन पकड़ो 2 प्ले ऑल द गेम्स तो ये जो 2 प्ले ऑल द गेम्स हैं तो जाहिर सी बात है 2 वाला जो नंबर है वो यहां आएगा ऑल द गेम्स क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन ठीक है अब पीछे जाना शुरू करते हैं वापस से तो 5 प्ले आखिरी में नंबर है 5 प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट बैडमिंटन और क्रिकेट का नंबर जो है वो फाइव है कॉमन वाला तो बैडमिंटन एंड क्रिकेट प्ले करने वाले पांच हैं इन दोनों के बीच का कॉमन इन दोनों के बीच का कॉमन ये वाला हिस्सा है इसमें दो ऑलरेडी बैठ चुका है तो बचा तीन इधर आएगा तीन प्लस दो पांच हो गया अब टू प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन हॉकी और बैडमिंटन हॉकी एंड बैडमिंटन का कॉमन एरिया ये है इस कॉमन का टोटल वैल्यू होना चाहिए दो अब दो तो यहां ऑलरेडी आ चुका है तो इधर जो बचा हुआ रीजन है उसमें क्या आएगा उसमें कुछ नहीं आएगा जीरो आएगा मतलब हॉकी और बैडमिंटन में जो कॉमन थे वो कॉमन तीनों में है ये वही दो बच्चे हैं अब ऐसा हॉकी और बैडमिंटन अलग से नहीं है क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर दो दिया टू प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन अब नेक्स्ट इससे इधर आगे क्रिकेट एंड हॉकी फाइव फाइव प्ले क्रिकेट एंड हॉकी तो क्रिकेट और हॉकी को कॉमन क्रिकेट और हॉकी को कॉमन ये वाला ये है फाइव फाइव मतलब यहाँ तीन आ जाएगा तभी तो तीन और दो पांच आएगा ठीक है अब उसके बाद ट्वेंटी प्ले बैडमिंटन ट्वेंटी प्ले बैडमिंटन तो बैडमिंटन का जो गोला होना है वो ट्वेंटी का होना है तो तीन और दो पांच पांच और जीरो पांच तो पाँच इधर आ गया बचा हुआ पंद्रह इधर आ जाएगा तो पंद्रह पंद्रह और पांच बीस तो ट्वेंटी प्ले बैडमिंटन फिफ्टीन प्ले हॉकी हॉकी कितना है फिफ्टीन तो तीन और दो पांच यहाँ आ गया पांच में इसका तो दस यहाँ आएगा दस और पांच पंद्रह क्लियर और उसके बाद दस प्ले क्रिकेट तो तीन और दो पांच पांच और तीन आठ आठ इधर आ गए हैं तो बचे हुए दो इधर होंगे तभी दो और ये सारे मिला के टोटल दस हो गए तो दस हमें बना दिया टोटल अब हाउ मेनी प्ले एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स सवाल क्या पूछा है कितने ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स सिर्फ एक गेम खेलने वाले ऐसे कितने लोग हैं तो सिर्फ एक गेम खेलने वाले एक ये दो ये दस और ये पंद्रह यही ये पंद्रह दो और दस यही लोग हैं ना जो सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं तो दो और दस बारह बारह और पंद्रह सत्ताईस तो डायग्राम से आंसर सुपर सिंपल ठीक है सबको समझ में आया दिस

ऑप्ट करने वाले जो थ्री के मल्टीपल वाले हैं ये कितने होंगे तो भैया एक से लेके एक 140 के बीच में तीन से मल्टीपल वाले नंबर कितने हैं थोड़ा निकालो तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वन फोर तो ये वन थ्री चार और दो वन थ्री आ, एक मिनट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वन थर्टी एट आठ और एक नौ तीन बारह हाँ वन थर्टी एट होना चाहिए वन थर्टी एट थ्री से डिविजल लास्ट नंबर है तो वन थर्टी एट को थ्री से करो तो चार तिया बारह और एक अट्ठारह छः फोर्टी सिक्स हो गया मतलब 46 ऐसे नंबर्स हैं फिजिक्स वाले क्योंकि ये 46 नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होते हैं ठीक है एंड दोज नंबर एंड दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री ऑप्ट करने वाले 5 के मल्टीपल हैं तो 5 के मल्टीपल कितने होंगे तो 140 ही 5 का मल्टीपल है इसको करो 5 दूनी 4 28 तो 28 आ गया तो देखो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आप जेई ने क्या किया ना

और ये भी नंबर नहीं दिया कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टोटल कितने हैं मतलब जो तीनों में कॉमन है तो यहां पे आपको अगेन अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी देखो इन दोनों में कॉमन वाले वो नंबर्स होंगे जो और थ्री दोनों से डिविजिबल होते होंगे और थ्री दोनों से मतलब सिक्स से टू थ्री या सिक्स होता है तो छह से डिविजिबल होने वाले नंबर ऐसे होंगे जो मैथ और फिजिक्स दोनों में होंगे जैसे इमेजिन करो ना सिक्स ऐसा नंबर है जो टू से भी डिविजिबल है और थ्री से भी डिविजिबल है ऐसा नंबर है जो टू से डिजल है थ्री से है, है, मतलब वो दोनों हुआ है। वो है ना? तो इसका मतलब अगर मेरे को मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स निकालना है दोनों में कॉमन वाला तो वो कितना होगा तो वो होगा छह से डिविजल तो छह से डिविजल तो वन से लेके वन फोर्टी में 6 से डिविजल वाले कितने नंबर है तो करके देखते हैं यही कर लो ना वन थर्टी एट सिक्स से डिवाइड करो छह और एक ट्वेंटी uh, थ्री तो मैथ और फिजिक्स वाला कॉमन ट्वेंटी थ्री फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कॉमन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री तो तीन और पांच तीन और पांच कितना होता पंद्रह एक से लेकर एक सौ चालीस में पंद्रह के मल्टीपल्स कितने हैं तो के मल्टीपल्स आखिरी नाइन होता है 15, 9, जा 135. तो नौ मल्टीपल्स हैं और फिर वही केमिस्ट्री और मैथ्स तो केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स तो पांच और यहाँ पे दो था दो था ना टू का मल्टीपल तो पांच और दो दस दस का मल्टीपल वन से लेके 140 में दस का मल्टीपल कितना है चौदह तो सॉरी मैथ्स तो हो गया तो ये भी निकल गया अच्छा आप तीनों का निकालना होगा तीनों का भी निकालना होगा ना तो तीनों का मतलब टू थ्री और फाइव टू थ्री फाइव दो तिया छह छह तीस थर्टी का मल्टीपल कितना है वन से लेके में तो जो थर्टी का मल्टीपल होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में तो जो थर्टी का मल्टीपल होगा वो होगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कॉमन तो थर्टी का मल्टीपल कितना होता है थर्टी चारिया एक सौ बीस फोर तो अब मेरे को सारे वैल्यूज मिल गए और ये सारे वैल्यूज तो नहीं निकाल लिया अब हमने। अब मैं बना लूंगा केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में जो कॉमन वाले वैल्यूज हैं तो कॉमन वाले वैल्यूज चार मैथ और फिजिक्स मैथ और फिजिक्स में कॉमन थे, थे तो चार यहां हो गए तो बचे हुए 19 यहां 19 और चार तेईस फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये वाला कॉमन कितने हैं नौ चार यहाँ हो गए तो बच्चा पाँच पांच और चार नौ देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री और उसके बाद मैथ केमिस्ट्री में तो मैथ केमिस्ट्री में कॉमन है चौदह चार यहाँ पे हो गए तो बचा हुआ दस दस और चार चौदह देखो मैथ्स और केमिस्ट्री क्लियर है अब मैथ में टोटल कितना होना था सेवेंटी तो नाइनटीन और फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री और टेन थर्टी थ्री थर्टी थ्री तो इसका मतलब है पैंतीस और दो सैंतीस थर्टी सेवन थर्टी थ्री और थर्टी सेवन होते हैं सेवेंटी फिर वैसे ही फिजिक्स में कितने हैं फोर्टी सिक्स तो उन्नीस और चार तेईस तेईस और पाँच अट्ठाईस तो अट्ठाईस अट्ठाईस और 3, अट्ठाईस अड़तालीस बीस बीस में दो कम अट्ठारह अट्ठारह आ गया अब वैसे ही केमिस्ट्री में ट्वेंटी एट तो केमिस्ट्री में दस और चार चौदह चौदह और पाँच उन्नीस 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 और नौ अट्ठाईस तो यहाँ नौ आ गया आया समझ में तो सारे नंबर्स हमने लिख दिए अब जैसे ही सारे नंबर्स लिखे सवाल क्या है the नंबर तो लेते हैं ये बड़ा बना दो। इस में, अब मेरे को बताओ कि टोटल नंबर्स कितने है? तो टोटल नंबर्स बना देते हैं टोटल नंबर्स कितने होंगे 37 और 19 तो 37 56 56 56, 56 और 18 56 66 76 74 सेवेंटी फोर और पाँच सेवेंटी फोर सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइन और नाइन सेवेंटी नाइन और नाइन एटी एट एटी एट नाइनटी एट नाइनटी एट और चार नाइनटी एट और चार एक सौ दो तो टोटल वन जीरो टू स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वन फोर्टी स्टूडेंट्स हैं वन फोर्टी स्टूडेंट्स क्लास में हैं और एक सौ दो तो यहाँ बैठे हैं तो एक सौ दो यहाँ बैठे हैं तो बचा हुआ थर्टी एट बच्चा बाहर बैठा होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज थ्री कोर्सेज थर्टी एट बात सबको समझ में आई तो हेंस दिस इज द फाइनल आंसर क्लियर है तो थर्टी एट इज दर्टी एट ठीक बात चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा इन केस अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा मान लो डायग्राम में होते बता रहा हूं उसको चमक ही नहीं रहा कोई बात नहीं आप इस तरीके से चले जाना नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री ये फॉर्मूला जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिखाया था तो यह नंबर ऑफ फिजिक्स हो जाएगा नंबर ऑफ मैथ्स हो जाएगा नंबर ऑफ केमिस्ट्री हो जाएगा

तो फिजिक्स सेवेंटी था फिजिक्स सॉरी फोर्टी सिक्स था फोर्टी सिक्स प्लस मैथ्स कितना था तो मैथ्स सेवेंटी था केमिस्ट्री कितना था केमिस्ट्री कितना था अट्ठाइस था अट्ठाइस माइनस फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स तो ट्वेंटी थ्री नाइन और फोर्टीन ट्वेंटी थ्री नाइन और फोर्टीन और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन तीनों का इंटरसेक्शन चार था तो अब अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुमको सॉल्व जैसे ही करोगे तुमको देखेगा ये वन जीरो अब जैसे ही ये वन जीरो टू आया फिजिक्स इंटरसेक्शन यूनियन मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री तो आपको पता है ये वो बच्चे हैं जो एटलीस्ट कोई तो एक सब्जेक्ट लिया है हमसे पूछा है डिड नॉट फॉर एनी ऑफ थ्री तो 140 में से माइनस आंसर आ जाएगा तो आप चाहो तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है अगर मान लो ये डायग्राम आपको नहीं आसान लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा आप ऐसे भी कर सकते हो नो इश्यूज बस इसको करने में मेरे को जो थोड़ा इशू आता है एक तो बहुत लिखना पड़ता है और लिखने के बाद भी कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं मेरे को लगता है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर लगता है इसलिए मैंने ये बताया पर आपको अगर नहीं चमक रहा है, तो आपको ये भी कर सकते हो ये भी तरीका है थोड़ा लंबा जाता है पर यह भी कर सकते हो क्लियर है सबको समझ गए चल भाई आगे बढ़ते हैं फिर अब बात करते हैं कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कार्टिजन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनो अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ए सेट है इसमें ए और बी लिखा हुआ है दो एलिमेंट्स है और कोई बी सेट है जिसके अंदर है वन टू थ्री तो अगर मेरे को कोई बोले ए क्रॉस बी करो तो ए क्रॉस बी का मतलब ही होता है कार्टिजन प्रोडक्ट अब जाहिर सी बात है ये ए इंटू बी वैसा एलजेब्रा वा, वाला चीज़ है नहीं यहाँ पे ये बेसिकली दो सेट्स है तो मल्टीप्लाई कैसे होगा तो ये होता है ए पहले इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई मतलब ऐसा नहीं ए इंटू वन ए इंटू टू टू ए थ्री ए ऐसा नहीं ये होता है ए कामा वन फिर ए इसके साथ तो ए कॉमा टू फिर ए इसके साथ ए कॉमा थ्री ठीक है फिर वैसे ही बी होता है तो अब आप लिखेंगे बी वन बी टू और बी थ्री ठीक है और ये करली ब्रैकेट में बंद हो जाएगा तो करली ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि भैया इस ब्रैकेट के ये सारे एलिमेंट्स हैं ए वन ए टू ए थ्री ए वन बी टू बी थ्री ठीक है A1, A2, A3, A1, B2, B3, तो इसे ही कहते हैं कार्टिजियन प्रोडक्ट और कार्टिजियन प्रोडक्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ये मैंने को क्रॉस बी किया ना अगर मैं इसको बी क्रॉस ए करता तो अलग रिजल्ट आता बी क्रॉस ए में ये सारे के सारे टर्म्स पलट जाते मतलब ये पहला वन इसके साथ फिर इसके साथ वन कॉमा ए आता फिर वन कॉमा बी आता फिर वन टू कॉमा ए आता फिर टू कॉमा बी आता फिर टू कॉमा फिर थ्री कॉमा ए आता फिर थ्री कॉमा बी आता तो ये सारे पलट जाते हैं। और एक्चुअली में ये दोनों डिफरेंट होते हैं ये सेम चीजें नहीं है और इसीलिए चूंकि वन कॉमा ए और ए कॉमा वन अलग अलग चीज है इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही होता है कि जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो ए कॉमा वन आ रहा है या वन कॉमा ये दोनों दो अलग अलग इंपॉर्टेंट मतलब है, तो है तो इसलिए तो क्लियर चलिए अगर ये समझ में आ गया तो कार्टिजियन प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया ना मूविंग फॉरवर्ड जैसे बी है तो इस तरीके से लिया गया है. चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब ध्यान ध्यान ये रखना है जैसे ये पीछे भी मैं बताया नहीं अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं दो इसमें कितने हैं तीन तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो देखिएगा दो इंटू तीन छः एलिमेंट्स आएंगे एक दो तीन चार पाँच छः चाहे बी क्रॉस ए किया तो भी छः तो जब भी हम कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आता है वो दोनों के इंडिविजुअल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है क्लियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब एक सवाल करते हैं जैसे मान लो ये सवाल है ए वन टू थ्री और ये ए कॉमा बी अब मेरे को ए क्रॉस बी देना है तो ए क्रॉस बी वन कॉमा ए टू कोमा सॉरी वन कोमा ए वन कॉमा बी टू कॉमा ए टू कॉमा बी थ्री कॉमा ए थ्री बी अब वन ए टू बी थ्री बी तो वन ए टू बी थ्री बी देखो वन ए वन बी टू ए टू बी थ्री ए थ्री बी बिल्कुल इसमें सारे हैं तो इसमें अगर सारे हैं तो ये आंसर आ गया बल्ले बल्ले. क्लियर चलो भाई अगर सबको क्लियर है तो दैट्स दैट वॉज दैट सवाल

अब आठ एलिमेंट्स है अब हमसे लेकिन क्या पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स तो याद करो मैंने तुमको बताया था टोटल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं जैसे याद करो हमने देखा था वन टू थ्री है तो टू पे पावर थ्री वैसे ही किया था तो इसमें आठ एलिमेंट्स हैं क्रॉस किया टोटल नंबर ऑफ सबसे टू पे पावर एट पर ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेगा पर यहां पे क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स अब, तो 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 अब इसमें हमको कम से कम तीन वाले चाहिए तो फिर हमें पहले निकालना होगा कि नंबर ऑफ वन एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने बनेंगे टू एलिमेंट्स वाले कितने बनेंगे थ्री वाले कितने बनेंगे तो, सॉरी टू वाले तक ही हो जाएगा बिकॉज थ्री वाले तो हमको चाहिए तो एक भी एलिमेंट नहीं वाला सबसेट कितना होता है याद करो एक फाइव होता था याद है तो सबसे पहले तो एक माइनस करेंगे माइनस वन फिर दूसरा क्या माइनस करेंगे तो आठ एलिमेंट्स है ना तो आठ में से एक कोई चुनने का तरीका एट सी वन अब ये चुनने का जो तरीका है ये तुमने तो नहीं पढ़ा होगा हाँ नहीं पढ़ा होगा अच्छा ठीक है इसको ऐसे ऐसे बताता हूँ कि इसको ऐसे समझो जैसे ये एक दो तीन तीन एलिमेंट्स है तो तीन सिंगल एलिमेंट वाले कितने सबसेट बन सकते हैं तीन ही बनेंगे या तो सिर्फ वन बने या तो सिर्फ टू या तो सिर्फ थ्री तो सिंगल एलिमेंट वाले उतने ही बनेंगे तो अगर आठ एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो सिंगल एलिमेंट वाले कितने बनेंगे तो सिंगल एलिमेंट वाले तो आठ बनेंगे भाई तो ये आठ डाल दिया अब डबल एलिमेंट वाले कितने बनेंगे तो अब यहाँ पे ये यह मसला है ये ये कैसे मैं तुमको आठ से मतलब ये अट्ठाईस बनेगा लेकिन अब मैं अट्ठाईस तुमको बताऊँ कैसे ये तो एट सी टू से बनता है अब यार ये मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें मेरे को दो दो का अगर पेयर लेना है तो कितना बनेगा तो देखो एक एक दो एक तीन एक चार एक पांच एक छ एक सात एक आठ मतलब पहले वाले के लिए सात बनेंगे सात ठीक है फिर वैसे ही दूसरे वाले के लिए तो दूसरे वाले के लिए ना दो तीन दो चार दो पांच दो छह दो सात दो आठ ठीक है ये ऐसा बनेगा तो ये दूसरे वाले के लिए क्योंकि दो एक नहीं बनेगा पीछे नहीं जाएगा ना समझ पा रहे हो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं तो एक दो एक तीन एक चार तो वैसे ही ये दो तीन आएगा फिर फिर दो चार नहीं तो ये यहाँ से प्लस छः प्लस पाँच प्लस डॉट 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 यहाँ करते करते वन तक जाएगा समझ पाए तो या तो चाहो तो तुम इसको ऐसे ही ऐड कर लो तो वन प्लस टू थ्री 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 सिक्स सिक्स फोर टेन टेन और पांच पंद्रह 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 और छह इक्कीस इक्कीस और सात अट्ठाईस तो ये वन से लेके सेवन तक अगर ऐड करोगे तो ये अट्ठाईस आ रहा है तो तुम इसको अगर ऐसे समझ समझिए कि इसमें से दो दो का कितना सेट बनेगा तो वन से लेके वन टू वन थ्री वन फोर ऐसे करते करते कितने बने सात बने ना क्योंकि वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन सेवन वन एट तो टोटल सात बने तो यहाँ पे और सात क्यों लग रहा है क्योंकि आठ नंबर है एक ये पहले मैंने हटा दिया तो बचे हुए सात नंबर सबके साथ एक एक बनाएगा तो सात अब दो जो है दो के लिए मेरे को एक भी हटाना है दो भी हटाना है तो बचे हुए तो एक, तीन, तो तो प्लस प्लस एक, एक से सात जोड़ोगे तो, तो माइनस करना है क्योंकि एक आ, नो एलिमेंट्स वाला वो फाइव वाला हटा दिया सिंगल एलिमेंट वाले सात आठ से, सेट बनेंगे वो हटा दिया डबल एलिमेंट वाले अट्ठाईस बनेंगे वो भी हटा दिया तो टू पे पावर एट में तीनों चीज माइनस कर दो आंसर आ जाएगा तो टू पे पावर एट क्या है टू पे पावर एट है। दो सौ छप्पन होता है टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स में आठ और एक नौ नौ और अट्ठाइस अड़तीस थर्टी सेवन तो थर्टी सेवन थर्टी सिक्स टू दो सौ उन्नीस देखो यार मैंने बताया था तत्व की के सवाल बहुत अच्छे होते हैं जब हम पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं उसके बाद हम बच्चों को बोलते हैं बनाने के लिए तो तत्व का सवाल था तो ये भाई अच्छा ही होगा तो ये हो गया टू टू वन नाइन इज द फाइनल आंसर ठीक है चलो भाई तो दिस इज इट हाँ जी आगे बढ़ते हैं नाउ रेंज प्रॉब्लम ऑन कार्डिनल ऑन कार्डिनल नंबर अब रेंज प्रॉब्लम क्या होते हैं तो अब ये हम लोग फंक्शन में घुस रहे हैं थोड़ा थोड़ा ठीक है तो फंक्शन की बातें थोड़ा सा कर लेते हैं सेट्स में करना भी जरूरी है तो रेंज प्रॉब्लम ऑन कार्डिनल नंबर का क्या मतलब है तो ध्यान से इसको समझो अरे आगे बढ़ जा अरे अरे भैया हां जी अब रेंज प्रॉब्लम का क्या मतलब है तो इसको थोड़ा सा समझते हैं

ठीक है अब ये इंटरसेक्शन है ठीक है तो ये इंटरसेक्शन कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है बताओ तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि इंटरसेक्शन छोटा कितना हो सकता है तो अगर मैं ए और बी को दूर करता जाऊं दूर करता जाऊं तो एक टाइम आएगा कि ए और बी दोनों ही अलग हो जाएंगे तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना बचेगा जीरो भैया दूर कर दिया दूर कर दिया तो ये कॉमन एरिया कम होता जाएगा अब तो ये मिनिमम वैल्यू क्या आ गई उसकी जीरो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है कि मैं दोनों को पास लाता जाऊं पास लाता जाऊं फिर ए और बी में से कोई एक छोटा होगा या तो बराबर हुए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे तो अगर सुपर इम्पोज कर गए तो ए इंटरसेक्शन भी मतलब ए और बी वही कॉमन ए और बी दोनों अगर सेम हो गए एक दूसरे से मिल गए तो वही ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा बिकोज दोनों ही पूरा कॉमन हो गया पर अगर मान लेते हैं कि ए छोटा है बी बड़ा है या बी छोटा है ए बड़ा है जैसा भी है जैसे मैं डायग्राम में ऐसा बनाया तो ये और ये तो अब बताओ अगर मैं दोनों को चिपकाता जाऊं चिपकाता जाऊं तो एक टाइम आएगा ना कि ये अंदर जाते जाते ये जो कॉमन एरिया है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और ये बी के अंदर पूरा ए आ जाएगा सॉरी बी के अंदर पूरा ए आ जाएगा ऐसा होगा तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इस केस में ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ इन मतलब इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती मतलब कांस्टेंट तो ऐसे रहती है अगर अगर डायग्राम ऐसे बना दिया, मैंने बना मैंने फिक्स्ड दिया पर अगर इसको कम ज्यादा करें तो कम से कम तो जीरो हो जाएगी। और जादा से ज्यादा जो छोटा वाला सेट है उसके वैल्यू के बराबर ए और बी अगर कोई दो सेट दिए हुए तो इसमें जो छोटा वाला सेट है उस सेट के वैल्यू के बराबर ज्यादा से ज्यादा हो सकती है मैक्सिमम उतनी हो सकती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है

63 प्लस 76 और माइनस जो कॉमन वाला पार्ट होता है X, यहां से सॉल्व करो X की छिहत्तर आएगी थर्टी आ, 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 आ रहा है हाँ, 39. तो पैंतीस तो, तो, तो नहीं होगा तिरसठ भी नहीं होगा थर्टी नाइन से सिक्सटी थ्री हो सकता है या थर्टी नाइन हो सकता है ठीक है देखते हैं अब एक बात बताओ मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जीरो हो सकता है पर यहां जीरो वाली बात नहीं है हमारे पास एक वैल्यू आया थर्टी अब यहां से ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है तो या तो आंसर पूछा होगा मिनिमम से थर्टी या फिर 39 से मैक्सिमम यही होगा ना क्योंकि हमारा एक्स क्या हो सकता है मैंने अभी अभी आपको बताया क्या हो सकता है जीरो से लेकर जो छोटा वाला वैल्यू तो सिक्सटी थ्री और सेवन में छोटा वैल्यू तो हमारा एक्स जीरो से सिक्सटी थ्री के बीच में कुछ भी हो सकता है अब हमारा एक वैल्यू है थर्टी नाइन ऑप्शन में देखो क्या है थर्टी नाइन से डायरेक्ट थर्टी नाइन

उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट पार्ट बता देता पूछता है, है, है? पूछता पूछता तो 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 थोड़ा सा ये ये था, ठीक चल भाई, आगे बढ़ते हैं, वी दिस आंसर। अब एक और सवाल देखो का। तो का ये सवाल देखो का, का क्या पूछता है? कि आउट ऑफ़ ऑल द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, 89, तो 89 तो फेफड़ों वाले 98 K K K percent of them are suffering from both ailments, then K cannot belong to the set. क्योंकि में आया है तो जाहिर सी बात ऑप्शन हो, जरूर होंगे अब एक बात बताओ तुम तुरंत बता दोगे ये वाला सवाल ये है, हार्ट, ये है लंग ये हार्ट डिजीज वाले हो गए ये लंग डिजीज वाले हो गए अब के परसेंटेज है जो दोनों से जूझ रहे हैं के, के परसेंट ऑफ आर सफरिंग फ्रॉम बोथ अब ये है आपका एटी नाइन परसेंट और ये है 98 तो आपका जो के हो सकता है कैन बिलोंग टू जीरो से लेकर मतलब हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो जीरो से लेकर एटी नाइन परसेंट तक मतलब जीरो से एटी नाइन अब लेकिन हालांकि अगर मैं निकालना चाहूं कि के की वैल्यू अभी है कितनी इतने कंडीशन के हिसाब से तो के की वैल्यू जो हमारी है आ, वो हम निकालेंगे कैसे वो हम ऐसे निकालेंगे कि 100% होता है टोटल यूनियन इज इक्वल्स टू हार्ट वाला 89 प्लस 98 लंग्स वाला माइनस के कॉमन वाला पार्ट के को इधर भेज दो और ये हो गया, 90, ए मतलब 100 और 187 हो गया 187 हो गया ना तो 100 माइनस करेंगे 87 सही किया ना हाँ सही किया 87 सेवन तो K की वैल्यू अभी 87 है तो 87 से लेकर मैक्सिमम 89 तक जा सकता है तो अब यहां से जो हमारा रेंज आया कि भैया K कैन बिलोंग टू 87 से लेकर 89 तक यही बनेगा आपका आंसर कि K जो हमारा बिलोंग करेगा वो 87 से 89 तक बिलोंग कर सकता है तो अब पूछा है के नॉट बिलोंग टू द सेट तो जो भी ऑप्शन दिए होंगे अगर उसमें 87 से 89 वाला नहीं है तो वो हट जाएगा तो एटी इज द आंसर यहाँ पे ऑप्शन शायद छूट गए लगता है प्रिंटिंग एर हुआ है

अब देखो मुद्दे की बात यह है कि मैंने आपको सेट थ्योरी पूरा पढ़ा दिया थ्योरी के मामले में तो कंप्लीट करा दिया मतलब बोर्ड लेवल तो कोई भी बच्चा एकदम ऐसे ही हलवा अब उसके लिए बोर्ड लेवल बन जाएगा तो बोर्ड तो आपका एकदम ही हलवा होगा बोर्ड के साथ साथ मैंने जेडब्ल्यू मीन के सारे थ्योरी कवर करा दिए टॉपिक्स जहां जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो सब कुछ करा दिया अब इसके ऊपर देखो तुमने भी देखा होगा कि मैंने जब थ्योरी वगैरह कवर कराई ये पीछे वाले सवालों में तो थ्योरी के नाम पर बहुत कम चीज थी पर समझने वाला या हर एक सवाल अपने आप में कुछ नया हो जाता है वैसा सा सवाल ज्यादा था तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारे करने होंगे और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा हेल्प मैंने दे दिया है कि ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डीपीपी डाल दिया है तो ये पूरा सेशन लगा लेने के बाद जो बच्चा यहां तक आया है ये वीडियो सुन रहा है अभी इतने लास्ट टाइम तक मतलब उसने डीपीपी देखा है तो अगर आप पूरा सेशन पढ़े हो मुझसे सारे सवाल लगाए हो तो आप डीपीपी जरूर लगा लो आपको ये फील आ जाएगा कि यार सेट्स मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है

तो जो वेदांतों का तत्व हम सारे बच्चों को देते हैं वो बच्चा ऐसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकता है अमेजोन पे भी मिल जाएगा और नहीं तो स्टोर पे भी मिल जाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टोर का एक लिंक दिया हुआ है वो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और उस लिंक के थ्रू आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा आ, वी टी एच पी टेन है शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इससे आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा तो आप डी पी पी तत्व ले सकते हो तत्व से तैयारी बहुत बढ़िया हो जाती है तो आप वो तैयारी अच्छे से कीजिए किताब आपको बहुत बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छी उमदा क्वालिटी की है तभी हम मैं भी अपने सेशन में तत्व के क्वेश्चन रखता हूँ लेकिन कम रखता हूँ क्योंकि काफी अच्छे लेवल के सवाल है एक बार जब बच्चा पूरा पढ़ ले तभी उसको लगाए यही सजेशन होता है ठीक है तो अगर आपने सेट्स कर लिया तब अब आप तत्व लगा सकते हैं ठीक है चलो भाई तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि सेशन लगा कैसा और ये बात मुझे जानना इसलिए बहुत बेहद पसंद है जरूरी होता है कि यार मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको मजा आया कि नहीं क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ताकि अगले सेशन में उसके हिसाब से चेंजेस करूं इम्प्रोवाइजेशन करूं और तुमको और वाव फील कराऊं ठीक है तो मेरे को जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा इन द कमेंट बॉक्स और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब रहना ऐसा बेहतरीन कॉन्टेंट मिलता रहेगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक की बाय गुड नाइट